पाकिस्तान, ऐसे ही कल मैं अपना शनाख्ती कार्ड इधर उधर कर रही थी तो उस पर एक लिखा होता है ना कि वो बर्थ मार्क या कोई ऐसा खास निशान जो आपकी है बॉडी पर, तो वो मुझे तो समझ नहीं आया था, मैं तो ढूंढ रही थी। लेकिन आप अगर आम इंसान से पूछेंगे ना तो कोई ना कोई ऐसा निशान उसके सिबलिंग ने उसे दिया होगा जो वो शनाख्ती कार्ड की अलामत बन जाता है, लाइक आपकी शनाख्त की अलामत बन जाता है। मेरी एक दोस्त थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके दांत पे एक निशान था, उसकी बड़ी बहन ने उसको खींच के बोतल मारी थी। वही जलन, जेलसी होती ना बड़ी बहन के बाद या बड़े बच्चे के बाद, जो दूसरा छोटा बच्चा सवा साल बाद ही आ जाता है तो ऐसी जलन होती है। खैर मैं भी ऐसी थी कुछ, मैंने तो जूता खींच के उठा के अपनी दूसरी बहन को मारा था। ये सारे किस्से अम्मी ने मुझे सुनाए हुए हैं। और भी बहुत कुछ होता है जब पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा ज़रा जल्दी आ जाता है, माँ बाप तो बड़े खुश होते हैं कि हाँ दो बहनें या दो भाई जो है या बहन भाई की जोड़ी बन जाएगी, आपस में एक दूसरे से खेलेंगे कूदेंगे। लेकिन जो बाल नुचते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं ऊपर तले के बहन भाइयों में, ये मेरा ख्याल से आप लोगों से बेहतर हो कोई नहीं जान सकता। जिस जिसका ऊपर तले का कोई भी बहन भाई है, कभी मुँह मारी होती है। अरे भाई किसी एक बच्चे के तो निशान मैंने, मतलब मुझे, मैंने सुना था कैंची खींच के मार दिए। तो नादानियों में, यानी बचपने की नादानियों में, आप अपने सिबलिंग को कोई ना कोई गम, कोई ना कोई निशान ऐसा दे देते हैं जो उसको याद रखता है, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से हम फंसे थे, तुम्हारी वजह से अम्मी ने पकड़ा हमें। तो पार्टनर इन क्राइम भी होते हैं बहन भाई, लेकिन कभी कभार शनाख्ती कार्ड पर जो निशान आपने लिखना होता है, काश उसमें हम ये भी लिख सकते कि ये अल्लाह ताला ने या हमारे अम्मा अब्बा के विरसे में नहीं हमें निशान मिला, ये हमारे बहन भाइयों ने हमें निशान दिया है। मैं वैसे बिल्कुल सही कह रही हूँ और आप मुझसे मुत्तफिक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन निशानात से बची हूँ क्योंकि मैं खुद बड़ी बहन हूँ, तो कोई जुल्म मैंने नहीं किया पैदा होके, बल्कि मेरे बाद जो दूसरी बहनें आई ना फटाफट आ गई, जो उन्होंने मेरी जगह थोड़ी दिन के लिए छीन ली थी। बहरहाल आज हम थोड़ा सा आपको बताते चलें कि हम क्या कर रहे हैं। आज हम सेलिब्रिटीज़ को उनके सिबलिंग्स के साथ बुला रहे हैं और सिबलिंग्स, बहन भाई का रिश्ता इतना खूबसूरत रिश्ता होता है कि जब छोटे होते तो एक दूसरे से लड़े बगैर इनको सुकून और सांस नहीं आता, लेकिन जैसे ये बड़े होते हैं वो लड़ाई वो झगड़ा एक दूसरे का ख्याल रखने में बदल जाती है। मुझे आज भी याद है, लाइक मैं बड़ी बहन थी और जो मुझसे छोटी बहन थी, हम दोनों एक ही क्लास में, क्लास थर्ड से हम एक ही क्लास में थे, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थी तो उन्होंने जंप शंप लगा ली थी, वो पहुंच गई मेरे बराबर। और उसके बाद क्लास थ्री से लेकर यूनिवर्सिटी तक, हाँ मैं फिज़िक्स में गई, वो कंप्यूटर साइंस में गई, तब तक वो मेरी सिक्योरिटी गार्ड रही, कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता था, कोई छेड़ नहीं सकता था और सब डरते थे, उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, मैं भी उससे थोड़ी थोड़ी डरती थी, लेकिन फिर भी मेरे नाखून बड़े लंबे थे, जहाँ वो मुझे ज़रा सा रोब झाड़ती थी अपने वज़न का, मैं उसको यूँ नाखून दिखाती। तो ये जो बचपन की लड़ाई झगड़े हैं ये बहुत हुए हैं हमारे दरमियान भी, लेकिन अब ख़ास तौर पर अम्मी के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं ही उनकी माँ हूँ, और अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। ये बहनों का रिश्ता, ये बहन भाइयों का रिश्ता अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि आप एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, लड़ते झगड़ते भी हैं लेकिन आप एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, उनकी तकलीफ़ आपको अपनी तकलीफ़ रखती है। ये खूनी रिश्तों की अट्रैक्शन अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है और ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। मैंने बहुत सारे ऐसे बहन भाई भी देखे जिनके बीच में साला साल गपशप, बातचीत कुछ नहीं होती, झगड़ा हो गया, कभी रिश्ता नहीं दिया तो झगड़ा हो गया, कभी कोई और जायदाद के ऊपर झगड़े हो गए। मुझे नहीं समझ आता कि बहन भाई एक दूसरे से अलग हो के रह कैसे लेते हैं, सुकून कैसे आता है, एक दूसरे की तबीयत, एक दूसरे की खैर आफियत जाने बगैर दूसरे के घर कोई खुशी है कोई गमी है, कैसे कैसे किसके पास इतना बड़ा दिल होता है। लेकिन मैंने देखे हैं मेरे इर्द गिर्द के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साला साल तीन तीन साल बाद बहन भाई की आपस में जी मिलाप हुआ है, क्यों, बहनोई को नहीं पसंद, साला बहनोई को नहीं पसंद। तो आज हम आपको कुछ ऐसे सिबलिंग से मिलाएंगे जिनके किस्से सुनकर आप भी अपने बचपन में लौट जाएंगे। आइए एक बहुत मज़ेदार शो एक साथ शुरू करते हैं
आज की सुबह की इब्तिदा हो रही है बहन भाइयों से। मैं आपको आज जो है ना मजबूर कर दूंगी एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए। अगर आप लोग बहुत बिजी भी हैं तो देखिएगा आज का शो देख के जज्बाती हो जाएंगे और मिलने चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है कि आज हम सिबलिंग्स पे शो कर रहे हैं, बहन भाई, बहन भाई इनके बगैर गुजारा नामुमकिन है। आपके पार्टनर इन क्राइम, आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथी, और ख़ास तौर पे अम्मा अब्बा के चले जाने के बाद एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हमेशा एक दूसरे के बहन भाई ही उसके साथ साथ रहते हैं। अभी जिस जोड़े को मैं बुला रही हूँ, बहन भाई ज़्यादा ही करीब है मेरी ज़िंदगी में, ज़्यादा ही करीब है, शायद शादी के बाद अपने बहन भाइयों से ज़्यादा करीब हो गए, क्योंकि इनसे मिलना जुलना एक्चुअली ज़्यादा होता है बनिस्बत असल खूनी बहन भाइयों के से ज़्यादा होता है। और इनको मैं बहुत अच्छे से भी जानती हूँ, आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि पहले भी मेरे शो पे आए हैं, लेकिन इकट्ठे आए हैं सारे बहन भाई मिलकर। आज ये जो दो हैं बहन भाई, इनकी शक्लें बिल्कुल अल्लाह ताला ने एक साथ एक जैसी बनाई, और मतलब लाइक अगर शायद मुझे कोई ना बताता तो मुझे लगता है ये दोनों जुड़वा बहन भाई हैं। लेकिन एक जो है बहन है और एक भाई है, दोनों की शक्लें तो मिलती जुलती हैं लेकिन आदात कितनी मिलती हैं, एक दूसरे से कितने मिलते हैं, ये एक दूसरे से कितनी बनती है, ये आपको बताने के लिए हमें इनको यहाँ बुलाना पड़ेगा। आइए वेलकम करते हैं जो मेल यानी कि जो सिबलिंग में भाई हैं, वो आप उनको एक्टिंग करते हुए देख चुके हैं, बड़े अच्छे सीरियस एक्टर भी हैं, लेकिन उन्होंने जो आपके दिल पे राज किया है वो अपनी कॉमेडी के थ्रू किया है और उसके बाद सीरियस ड्रामे बना के एज अ डायरेक्टर आपको बहुत सारे जबरदस्त ड्रामे दिखाए और रेटिंग उठाई। आइए वेलकम करते हैं दानिश नवाज एंड अंजल्ला। रिश्तेदार तो गले मिल सकते हैं, वैक्सीनेटेड। हेलो भाभी, क्या हाल है? और भाभी कैसी हैं आप? ये वाला एक्शन अगर हम दोनों करते तो कुछ समझ आता नहीं, यासिर की तरह करियो। हाँ ये बात तो है। आज आपने मुझे अंजल्ला के साथ बुला लिया, आज मैं चुप रहूंगा, अंजल्ला बोलती रहेगी। फराज के साथ में होता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत बोलता रहता हूँ, लेकिन आज अंजल्ला की बारी है। अंजल्ला की सबसे अंजल्ला जब से आई है मेकअप रूम से यूं यूं कर रही है। तो आप खुद देखकर बताओ कि मैं कैसी लग रही हूं। इन्होंने कौन सा आपको बचपन से देखा है जो आपको देख के बताएंगे कि आप कैसी? क्या मतलब है बचपन से देखा होगा इन्होंने आपको? जो बचपन से देखा आप, आपके रिश्तेदारों ने देखा है वो आपको बता सकते हैं। भाई अंजल्ला बहुत चेंज हो गई है, अंजल्ला और मैं अक्सर रोड पे मिलते हैं, साइकिल चला रही होती है। माशाल्लाह अंजल्ला ने इतनी साइकिल चलाई है, अपने आप को बड़ा वेट कम किया है। एकदम पासपोर्ट की तरह खड़ी हो गई। आप बातें कर रहे हो तो मैं इतना साइकिल माशाल्लाह अब तो एक पहिए पे भी चला सकती है। एक दफा ट्राई किया था धड़ाम से नीचे गिरी थी, दोनों हाथ छोड़ के ट्राई कर रही थी, मैंने कहा जरा जरा होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, जो मैं साइकिल चलाती हूँ ना, होस्ट वो है लेकिन ये मैं आपको वीडियो में बताता रहूंगा। साइकिल जब मैं चलाती हूँ ना तो कोई लोग यूं यूं कर रहे होते तो बड़ा दिल खुश हो रहा होता है और मैं हवा में उड़ रही होती हूँ। बाकी अच्छी साइकिल चलाती हो आप, और अगर आपको हम कहें कि साइकिल पे एयरपोर्ट चली जाओ तो आप जा सकती हो आराम से। एयरपोर्ट क्या, मैं तो डायरेक्ट दुबई अमेरिका कहीं भी पहुंच सकती हूँ साइकिल में। ये भाई माशाल्लाह बिल्कुल ही अपने आप। अच्छा आप दोनों में से जो है ज्यादा रोब किसका है बहन भाइयों में? हमारी बहन, असल में हमारी बहन जो है ना, हम तीनों भाइयों को अलग अलग तरीके से जो है ना बाजी जो है ना ट्रीट करती है। मेरा एक मैसेज आता है, यासर नवाज जो है हमारे बड़े भाई, अब वो इसको सीधा रखते हैं, सीधा करते हैं, थोड़ा बहुत यूं होते हैं। और मजे की बात, जब यासर मुझे मैसेज कर, एक तो पहले मैं शुरू हो जाती हूँ ढा 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 बोल देती हूँ जो दिल में होता है, उसके बाद जब यासर का आता है ना मैं ब्लॉक कर देती हूँ। सब कुछ होने वाला है, एक भाई है, दूसरा भाई हमारा एम्बुलेंस डॉक्टर फराज। हाँ। वो जब ये किसी मुश्किल में होती है तो ये उसको फोन करती है, एम्बुलेंस आएगी। हाँ भाई यार फराज ये हो गया, क्योंकि वो सब फराज जो है सबसे चिल है, गुस्सा भी नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। सच्ची में एम्बुलेंस भाई। हाँ एम्बुलेंस भाई, वो है भी डॉक्टर। तीसरे नंबर पे मैं आता हूँ, खामखा भाई।
जब एक बड़े भाई से लड़ाई हुई होती है दूसरे भाई से तब मुझे मेरी बहन याद करती है। एक और बात, मसला ये होता है जब मैं इसके साथ होती हूँ तो इसकी तारीफ कर रही होती हूँ, दूसरे भाई चुप हो जाते हैं, मैं डर जाती हूँ कि यार कोई नाराज तो नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने। अंजलना जब मेरी ज्यादा तारीफ शुरू कर देती है फिर वो जान बुझे ना मसाले देते हैं कि लड़ाई हो, फिर अंजलना आपको पता है एक मिनट में बिल्कुल एकदम से जो है ना ये हो जाती है। अच्छा मैं पता है क्या करती हूँ, और भी मेहमान आए। अच्छा मैं पता है क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ प्राइवेट मैसेज करती हूँ, यासर नाराज हो क्या, फराज नाराज हो गया, और वहाँ पे जो सिबलिंग होता है वहाँ बिल्कुल सही होती है, किसी को पता ही नहीं चलता मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। अंजलना का बेस्ट ये है कि जब आई एम श्योर कि बहुत सारे खानदानों में ऐसे बहन भाई होते होंगे, जैसे ही फैमिली ग्रुप में होता है सबसे पहले लेफ्ट फुल। आजकल तो ये भी है ना, आजकल ये ना कि नाराजगी का बने हुए खानदान के ग्रुप बने होते हैं, मतलब लाइक एक जमाने में होता था सबके पास सब मिलकर बैठते थे, यहाँ ग्रुप्स बना के मेरा भी बहुत अच्छा है सब कनेक्टेड तो है। लेकिन सच में माशाल्लाह औरों को बुलाने दे दो अंजलना, ढाई घंटे का शो है, मैं कह रही वो पहले ही डिप्रेस हो में गया कि दोनों हमें तो बोलने भी नहीं देंगे। अच्छा आप बोलो, चलो चले चले बोले, भूली दे के हम बात काट देते हैं, भूल गई अब मैं भूल गई भाई, चलो बैठो बैठ जाओ, शो में बादाम का इंतजाम भी है जी। एक जोड़ी तो आ चुकी है और देख लिया ना हमारा घर जो है एंटरटेनमेंट, मतलब हमारे घर में भी एक मॉर्निंग शो चलता ही रहता है, मस्त शोर डाल दिया सुबह सुबह, शोर जरूरी है लोगों को जगाने के लिए, बहुत जरूरी है, और हम सब सुबह के राही हैं, हम सब सुबह उठने वाले लोग हैं, कोई पूरा खानदान सुबह उठा हुआ होता है। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट जोड़ी भाइयों की जोड़ी को मैं बुला रही हूँ जनाब, और इस ये जो जोड़ी है ये आपने इनको मेरे शो पे कभी एज सच नहीं देखा होगा, शायद एक आध दफा आए हूँ प्रमोशन में, लेकिन उन्होंने अपने करियर का आगाज जहाँ तक मेरी सुनगुन है एज अ चाइल्ड एक्टर किया था, उस वक्त ये बच्चे थे, दानिश भी बता रहा था कहीं आए थे, मैं जब वो आ जाएंगे तो बताऊंगी कि कहाँ आए थे। उन्होंने आपको बताई ये बात? नहीं। अच्छा, मैंने बता दिया। उन्होंने अपने करियर का आगाज एज चाइल्ड एक्टर किया और उसके बाद आपको फिल्म यलगार में नजर आए, उसके अलावा ड्रामे कुर्बतें, जान हथेली पर, इश्किला और परीजात में एक्टिंग करते हुए देखा। ये वही हैं जो उष्णा को उड़ा के ले गए परीजात से दूर। आइए वेलकम करते हैं अहमद तहा गनी अपने भाई असद गनी के साथ। आप छोटे थे और मैं बहुत ज्यादा छोटा था। आपने कुछ चाइल्ड एक्टर वाली बात इसीलिए की थी? जी बिल्कुल, उन्होंने जो है मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी। आई थिंक इट वॉज a serial on KTN, Sindhi drama था, लश हम लोग बनाते थे। अच्छा, जो लश उसमें हालांकि इनका background सिंधी नहीं है लेकिन फिर भी तो सिंधी बोल ली थी इन्होंने? नहीं, ऐसे ही हमने बोला कि हमारा USA से कनाडा है, उन्होंने कहा कि इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है सिंध। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, परीजात में मैंने देखा आपको लाइक बड़ा मौलवी मौलवी का कैरेक्टर था, बड़ा जबरदस्त, और आखिर में जो है वो उष्णा को आप ले उड़े। जी तो कैसा, लोगों ने जो फैंस वगैरह थे उन्होंने कैसा रिएक्ट किया था? मुझे तो काफी मिक्स रिस्पांस मिला, काफी अच्छा था। मतलब मैं जहाँ कहीं भी जाता था तो मुझसे ये लोग पूछते, आप बताएं कि दीन और दुनिया दोनों इकट्ठे लेकर आप कैसे चल रहे हैं। तो आई थिंक दैट बड़ा ग्रे कैरेक्टर था। आजकल राइटर्स बड़ा अच्छा लगते हैं जो कैरेक्टर जब ग्रे होता है, क्योंकि कोई भी 100% व्हाइट नहीं होता, ब्लैक नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता इंसान, मतलब जाहिर है कोई, हम जैसे अपनी बहन से बहुत डरते हैं, कई लोगों से हम नहीं भी डरते, तो ये है कि ऐसे जैसे भाईजान ने सूट पहना है। आप लोग भी अपनी बहन से डरते हैं क्या? आप लोगों की बहन है कोई? जी बिल्कुल, हमारी एक बड़ी बहन है। अच्छा, एक ही बड़ी बहन? जी एक ही बड़ी बहन। अच्छा, एंड हमारा जो एज डिफरेंस है वो खैर इतना ज्यादा तो नहीं है, इट्स ओनली अ डिफरेंस ऑफ 5 इयर्स। मेरे मेरे बड़े भाई में 2 इयर्स का। अच्छा, ये आपके बड़े भाई हैं? जी, मेरे यहां में मिडिल वन। अच्छा, बड़ी बहन है, लगते नहीं ऐसे है ना, नहीं लग रहे, मैं समझी आप छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई। दानिश भाई तो वैसे ही, वो वैसे मेरे ख्याल में से उन्होंने कहा कि यार हम आपका आके मोरल बूस्ट करते हैं, मुझे ये कह रहे थे असद भाई यार आई थिंक आई एम अ लिटिल ओल्ड नाउ, मैं बड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं, अब नहीं पता चलता, जब बहन भाई बड़े हो जाते हैं ना तो पता नहीं चलता कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये भी बहन से डरते हैं या नहीं डरते? हाँ, सवाल मेरा ये था
मैं कहता कोई भी भाई ऐसा नहीं होता जो अपनी बहन से डरता ना। अच्छा नहीं, कहीं ना कहीं से वो प्यार में जो एक होता है ना डर, बिल्कुल सही है। असल में स्टेजेस थे, जब हम लोग छोटे थे तो ऑब्वियसली उनका जो वो था घर के अंदर रोब था वो डिफरेंट था। अब बिकॉज हम लोग सारे बड़े हो गए और हमारे में इतना ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है, तो नाउ वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। बट आई एम वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अल्लाह ताला ने सिर्फ पेरेंट्स नहीं दिए, माँ बाप नहीं दिए, मुझे दो माँ बाप दिए, एक मेरी बड़ी बहन के रूप में और एक मेरे बड़े भाई। He's humble, he's quite humble. Quite humble. नहीं ये देखो ये अहमद की अच्छी बात है, इसका जो प्यार है वो खालिस है और बहुत बड़ी बात किया। और बिल्कुल मैं इसमें कोई वो होता है, लोगों को होता है कि जी मैं अपने बड़े भाई या बड़े बहन के बारे में इस तरह बात ना करूं, बट फॉर्चुनेटली मैं इतना ज्यादा अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह ब्लेस किया है कि इन्होंने पहले मेरी बहन ने मुझे पाला जब मैं छोटा था और उसके बाद मेरे बड़े भाई ने प्रैक्टिकली। आप लोगों में कितना डिफरेंस है? ये किसी से पल नहीं रहते, इनको लोग देख से बोले यार तू पाले। देखिए एक होता है एल्डर बच्चा होता है और एक होता है घर का छोटा सा। I am the middle one. Okay. So, सारा जो लोड है वो मेरे ऊपर। ओह हाँ ये होता है। इस बैठे आप लोग। हाँ नहीं यहाँ बैठ क्या? अच्छा यहाँ बैठ जाएं। चलो यहाँ वहीं बैठ जाओ। हम करीब हो जाते हैं। आगे बैठ। यहाँ एक बहन भाई की जोड़ी हो गई, दो भाइयों की जोड़ी हो गई। अब हमें देखना ये है कि जब दो बहनें एक साथ मिलती हैं तो वो क्या मस्करियां करती है, और अगर एक बहन मस्ती वाली हो ये पूरी दुनिया को पता हो तो क्या दूसरी उसको कंट्रोल करने वाली होगी या दूसरी उसी की जैसी होगी, ये जानने के लिए मुझे बुलाना पड़ेगा एक बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस जो आपको बहुत सारे ड्रामों में आजकल नजर आ रही है, मेरे शो पर भी आई हैं वो, और उनकी बहन के साथ आज वो हमारे सामने मौजूद है। आइए वेलकम करते हैं इनाया खान एंड तहनियत खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं हाउ आर यू? मैं ठीक हूं। हाय तहनियत, वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो तहनियत, हमने तो देखा इनाया बड़ी लाइवली, बड़ी चुलबुली सी है, तो क्या तहनियत भी वैसी है या ये कहती है इनाया बस हो गया, इनाया बस कर दो, ये वो वाली बहन है? मैं एक्चुअली वही वाली बहन हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सोबर हूँ और बहनों में तो होता है एक्चुअली एक बहुत ज्यादा मजाक मस्ती वाली होती है, एक सीरियस होती है, तो मैं सीरियस हूँ। हमारे घर में सीरियस है, मैं बहुत ज्यादा बोलने वाली, मस्ती वाली, हर वक्त बस तफरी, यू नो लाइक इस तरह। बहुत अच्छी सिंगर है, अभी मुझे टाइटैनिक का पूरा गाना सुना। हाँ ये भी सिंगिंग, अच्छा आप दोनों ये भी सिंगिंग करती हैं, आप दोनों मिलकर गाती थी लाइक जो बैंड था? एग्जैक्टली, हमारे बेसिकली बैंड था जो टीटी सिस्टर्स था पहले, तो हमने अपनी स्टार्टिंग ही बैंड से की थी, एज अ बैंड। सो एंड हमारे सेपरेशन हो गई, मैं सिंगिंग की तरफ, सेपरेशन हो गई मतलब क्या? मतलब मतलब ये बिल्कुल एक्टिंग की तरफ चली गई, तो मैं सिंगिंग से जरा हट गई हूं साइड। अच्छा तो आप अकेले आप कर रही हो, पूरा बैंड अकेले लेके चल रही हो? एग्जैक्टली, प्लीज बैठो, प्लीज बैठो, थैंक यू। ये गपशप लगती रहेगी इसी तरह, दो बहनें। अच्छा जैसे कितने बहन, पूरे टोटल कितने सिब्लिंग्स हैं आप? जस्ट टू, टू सिस्टर्स, दो बहनें खाली। अच्छा, और यहाँ पे आप लोगों ने बताया कि दो भाई हैं और एक बहन, और आप लोग भी चार भाई और चार भाई और एक बहन है, लेकिन एक बहन सबसे भारी है। अच्छा अगर मैं ये पूछूं आप सब तीनों के दरमियान, ये कॉमन क्वेश्चन है, कौन सी आदत है ऐसी जो मिलती है कॉमन है? गुस्सा और खाने का शौक, खाने का शौक, खाने का शौक, लेकिन ये और एक्सरसाइज का, हम पूरे साल भी ले सकते हैं, हम पूरे साल एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं और खा भी रहे होते हैं कि यार ये चीट डे है। अंदर लग प्लीज, आप बोल रहे हैं, अंदर लग की आवाज बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मैं क्या बोलूं, आप बोल रहे हैं ना, अच्छा अच्छा आपने तो मुझे। आप दोनों की कौन सी आदत मिलती है? हम दोनों वी आर क्वाइट सिमिलर इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे हमारे वी लाइक द सिमिलर फूड। अच्छा, हमारे मूड्स भी एक जैसे हो जाते हैं अक्सर, जैसे गुस्सा आया तो दोनों को इकट्ठे, दोनों को इकट्ठे गुस्सा आ जाएगा, हंसी आए तो दोनों को इकट्ठे, दोनों को इकट्ठे आ जाएगा। पता किया है, जुड़वा तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, जुड़वा नहीं, आई एम 2 इयर्स एल्डर देन। अच्छा, but we have spent a lot of time together, even हमारी education time भी we were close। अच्छा, तो इस वजह से हमारी काफी आदत similar है। similar और बनती भी है आप दोनों में? हाँ बिल्कुल बनती है। तो ना कुछ भाइयों में ज़्यादा बनती है, कुछ siblings में ज़्यादा बनती है, कुछ में कम बनती है। बचपन में तो we were partners, क्योंकि we had to partner up against our sister। अच्छा, तो और वो हमारे जो है ना वो घर पे वो था, उनका राज चलता था,
भाई एक बहन हो तो राज तो फिर बहन बिल्कुल है क्या है। और वो बड़ा खुला राज था और हाँ। वो राज इस तरह भी था कि मेरे पेरेंट्स भी आके मुझे कहते थे कि शी इज द लीडर, यू हैव टू लिसन टू हर, ये जो कह रही है वो आपने करना है, तो उनको वो अथॉरिटी भी दी हुई। ऐसा कुछ आपके अम्मी अब्बू ने कहा था? डेफिनेटली हम लोग चार भाई थे, बहन हमारी इकलौती एक, तो अंजलना की सारा प्यार सब कुछ नीको मिलता लगता था, हम चार बहने और ये एक भाई है जो रोब मेरी बहन का, लेकिन प्यार वाली बहुत है ये और बिल्कुल साफ दिल की खुले दिल की और माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी बहन है, सारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करती हाँ। है और अम्मी के बाद जो है ना इन्होंने बिल्कुल जगह संभाल ली हमारी अम्मी, समेट के रखा हुआ है, हालांकि छोटी है लेकिन ये फिर भी लेकिन बहन तो है ना, बहन तो समेट के रखी है। तो यहाँ आप दोनों जो है कौन अब्बा वक्त की लाडली और कौन अम्मा की लाडली? मैं अब्बा की हूँ, अब्बा की, हाँ। की और सिमिलैरिटीज क्या है दोनों में? वैसे तो आप कह रही हो आप आपकी नेचर एक दूसरे से बहुत ज्यादा, हाँ। टेस्ट ऑफ म्यूजिक हमारा सेम है, टेस्ट ऑफ म्यूजिक, टेस्ट ऑफ फूड, हमारे माइंड्स बहुत ज्यादा मैच करते हैं, यार आज ये करने का चाह रहा है, हाँ ये करते हैं, मतलब कभी यू नो ऐसा नहीं होता कि यार नहीं नहीं यार मैं इस चीज में इंटरेस्ट। एंड हम लोग लोगों को भी सिमिलैरिटी हम लोग पसंद करते हैं कि एक कुछ हेटर्स भी हमारे हम लोग किसी चीज को हमारे लिए ट्राई करेंगे। ड्रामे में बिल्कुल अलग तरीके की बहनें आती हैं, यहां पे जरा डिफरेंट है ना, ड्रामे में तो जलन, ड्रामे में तो अजीब अलग बहन आई, मतलब वो वाली बहनें ऐसी हैं ARY का था ना जलन, हाँ हाँ जिसमें वो बहनोई से शादी कर लेती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, I don't know, अल्लाह माफ करे, ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद बहन भाई यहाँ हमारे पास है, याद करिए आप भी अपने बहन भाइयों से मिलने जाए, आज मीटिंग फिक्स करें। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ सिबलिंग्स, बहन भाइयों की जोड़ी मौजूद है और आई डोंट नो घर में, वैसे बाहर तो होते हैं सब शेर, घर में कुछ कुछ लोग शेर होते हैं और कुछ कुछ लोग शेर नहीं भी होते। तो अब मैं आप तीनों जोड़ियों से ये सवाल करना चाहूंगी। अंजला सबसे पहले, मेरा बचपन से शौक था ऐसे बैठने का, ऐसे मैं इनकी वजह से बैठ पाया हूँ हालांकि जब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं पेट बीच में, आजकल मैंने वॉक वॉक शुरू की लेकिन अच्छा पेट छुप रहा है, यकीन नहीं आ रहा इस तरह कर रहे हैं एंगल कैमरे देख के बताएं, जो बाल कम हो जाते हैं वो पीछे के बाल आगे ले आते हैं, यूं कर लेते हैं, कोई दाना छुपा, मैंने बोला इतनी तकलीफ क्यों है, तो है क्या करें। अच्छा आप सच बताओ, आप अपनी फील्ड में जो है वो एज डायरेक्टर जो है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो कि नहीं? मैं वक्त पे स्ट्रिक्ट हूँ और वरना नॉर्मल कॉमेडी लाइट मूड रहता हूँ, लेकिन जैसे ऐसा है कि कोई एक्टर मतलब जैसे सीन में ध्यान नहीं दे रहे या वो कुछ थोड़ा सा कभी है डायलॉग याद नहीं तो मैं काफी स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ। और घर में बताओ जरा, घर में ये होता है कि ये वैसे तो सीरियस भी होता है, दोनों होता है, लेकिन सच बता रही हूँ ये जब होता है ना बहुत मजा आता है, हम बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं इसकी कंपनी, मतलब ये आता है रौनक आ जाती है और हम लोग वैसे भी चारों जब मिलते हैं तो रौनक ही रौनक होती है। तो अगर अगर ये सेट पे बादशाह है तो घर में भी बादशाह होता है, बेशक बादशाह, ये कि हम एक को टारगेट करते हैं अक्सर वकार टारगेट बन जाता है, टारगेट वकार को छेड़ते रहते हैं, वकार का चक्कर ये है कि वो हर वक्त जो है दुखी रहता है, वकार एक और भाई है, एक और देवर हाँ। तो वो दुखी रहता है तो हम उसको फिर छेड़ते रहते हैं हल्का फुल्का, वो और दुखी हो जाता है। अगर यही सवाल मैं आप लोगों से करूं, ये इनकी पर्सनालिटी कैसी, क्योंकि मैं जाहिर है आपसे पहली दफा मिल रही हूँ तो मैं इतना जानती नहीं हूँ, आप इनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी वो है डोमिनेटिंग है या हम्बल है? ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन, अच्छा, बट ये विटी बहुत है, तो हम जब कहीं बैठे होते हैं या घर में भी बैठे होते हैं तो ही इज द वन जो के जिसने लाइवली मूड बनाया होता है सबका, अच्छा। तो वी हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर, और हम सरों को तो घर पे और बाहर एक ही जैसे होते हैं, बिल्कुल ये एक जैसा है, ही इज ये घर में भी वैसा ही है, बाहर भी वैसा ही है, कुछ अच्छा लग रहा है, और एक इसकी आदत है ये हर बंदे को तंग करता है, अच्छा ये हर बंदे को तंग करता है, अगर ये किसी को कोई फ्रेंड आ गया या कोई सिबलिंग भी आ गई फिर ये पूरा दिन उसके पीछे लगा रहेगा और उसको पॉइंट्स मारता रहेगा, उसको तंग करता रहेगा। बेसिकली मेरे ख्याल में से जो आप काम करते हैं अपने घर में, मैं अपने घर में, मैं भी घर में सबसे छोटा हूँ, आप भी सबसे छोटे, अच्छा। और यहाँ क्या सिनेरियो है, इनाया क्या करती है आप बताएं, इनाया की पर्सनालिटी कैसी है, बाहर कैसी है और घर में कैसी, क्या डिफरेंस है?
अच्छा एक्चुअली ये जो है बहुत ज्यादा जो अंदर से वही बाहर है अच्छा। और बहुत ज्यादा शरारती है घर में हमारे ना, और ये सबसे ज्यादा लाडली भी हमारे घर अच्छा। में तो हम उसको बहुत ज्यादा पैम्परिंग वगैरह भी करते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं, लाड करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन इसका रोब है ये अच्छा। मेरा बहुत रोब है इसका, ये करना है आज, ये होगा आज, वो होगा, तो डोमिनेटिंग है। सुनती है? बताओ, सुनती नहीं? नहीं सुनती। अब तो मैं एक्ट्रेस हूँ, साफ है ना, बहुत बहन भाई नहीं रखते एक दूसरे की, वो बता देते हैं सिंपल। माँ अगर माओ के साथ बुलाती हूँ ना, माए थोड़ा सा पर्दा रख लेती है, बहन भाई हमारी तो अम्मी ने भी कभी नहीं रखा। एक दफा आपके शो में आई थी मैं, तो फिर दादा क्लास ले ली थी उस दिन मैं कुकिंग सीख गया, इसलिए ये सब लोग उस दिन मेरे ख्याल से आप नहीं थी ना। नहीं मैं नहीं थी। ये होती तो शायद मैं बच जाता, क्योंकि फिर सब इसको बोल रहे होते। तो अब उस दिन मैं था टारगेट, यासिर फराज, जब दो मिलते ना वो भी एक को पकड़ लेते हैं दोनों, कभी मेरी क्लास ले रहे कभी इसकी कभी वकार। तो उस दिन अम्मी थी, अम्मी भी मेरी क्लास लेनी शुरू हो गई, मैंने बोला यार, तो उस दिन मैंने कुकिंग सीख ली, मैंने छोड़ो इन सबको खाना पका लिया। अच्छा मैं आप तीनों से जो भी सवाल करूंगी वो तीनों जोड़ियों से कॉमन सवाल होंगे, ठीक है, और वो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। डैश मामले में हम कभी एक पेज पे नहीं आ सकते, मतलब दिमाग हमारा एक नहीं सोच सकता डैश मामले, डैश मामले वो कौन सा मामला है सोचो, मेरे सबसे ये सवाल है। क्या कपड़ों के मामले में या डैश मामले में, यानी कि हाँ कपड़े भी हो सकते हैं, मतलब जैसे किसी बात पे बहस हो, लेकिन आप दोनों कभी मुत्तफिक नहीं होते। हम दोनों की बात है, हाँ आप दोनों की बात हो रही है, सारी बातें काम करने का कहते हैं, अम्मी जब कहती है ये काम कर लो, तो हम लोग की बनती है तुम करो, नहीं तुम करो, अच्छा बहस पर रहते हैं आप लोग। हम लोग क्योंकि हमें अम्मी हम एक दूसरे को कोई एक जैसा काम कहती नहीं है, क्योंकि ना ये मेरी भाई है और ना मैं इसकी बहन हूँ। हम लोगों का ये होता है कि जब मतलब छोटी छोटी बात पे हो जाती है इतनी वो जो छोटी छोटी बातों पे। लेकिन कौन सी चीज ऐसी जिस पे एक पेज पे नहीं होते आप कभी भी, बच्चों की बात, कोई जैसे आपने बोला कपड़ों की बात या कपड़ों पे, एक ऐसा होता है कि कभी मैं कपड़े ऐसे, तो मुझे अक्सर ही कहती कि यार आपका वेट है तो आप यूं करके कपड़े पहनो। हां मैं इसको बोलती रहती हूं कि ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि आजकल बाजी फुल खुद फिट हुई है ना, साइकिल वाइकिल चला के एक्सरसाइज करके। अच्छा तो ये वहां पे होता है, ये भी बोलती हूं कि ये खाओ वो खाओ। नहीं खाने का तो नहीं बोलती आप, नहीं खाने का नहीं बोलती, एक्सरसाइज का बोलती हूं। सुबह सुबह इसके घर पहुंच जाती हूं कि दानिश चलो उठो साइकिलिंग करते हैं, मेरी साइकिल में ये कहता आप चलो मैं आ रहा हूं, ये होता है, मट्टी भी लग गई साइकिल में। आप लोग बताएं आप किस, he doesn't go to the gym with me, वैसे ट्रेन नहीं करते। Ahmed is a very harsh trainer और मैं एक दो दफा इसके साथ जिम गया हूं और वापस मैं बहुत मुश्किलों से घर आया। अच्छा हां तो आई टू कॉल माय कट गए टांगियां तो मसल पकड़ गए। तो हमारे डैड आल्सो गोस टू द जिम टुगेदर। अच्छा हम दोनों इसके साथ जिम नहीं करना पसंद करते, ये बहुत ज्यादा एक्सरसाइज फ्रीक है। बिल्कुल ये कहते हैं यार मुझे नहीं समझ में आते, तो अपने आप को जिम में इतना अज़ियत क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो यार, मजा आता है उसका। हां ये अपने आप को नहीं, वो फिल्म देख रही मैंने अमिताभ बच्चन की शुरू में महान, उसमें अपने आप को कोड़े मार रहा मैं पूरी फिल्म में सोचता रहा मैं क्यों मार रहा है कोड़े यार, भाई तौबा कर लो, अगर कोई बहुत गुनाह किए तो अपने आप को कोड़े क्यों मार रहे हो यार। नहीं मैं अपने गुनाहों की माफी जाके वेट लिफ्टिंग। अगला सवाल, बचपन का डैश किस्सा आज भी हम याद करके हंसते हैं। किस्सा है एक बार हम लोग लाइक फर्स्ट टाइम हम अमेरिका से आए थे, तो हम लोग छोटे थे काफी, मैं आई थिंक 11 साल की होंगी, ये मैं 8 साल की थी, 8 साल की, तो हमें इतना पता नहीं था कराची में क्या होता है, पाकिस्तान लाइट भी जाती है। अच्छा पहली बार एक्सपीरियंस था। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि एक दिन नानी, हम लोग नानी के स्टे कर रहे थे, तो अचानक ना ये सो रही थी और ना ब्लाइंड चली गई, तो ये जब उठी ना शी वाज लाइक ओह माय गॉड मैं ब्लाइंड हो गई, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। और हम लोग अभी पता नहीं कि लाइट जाती है ना, मैं मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा अम्मी मैं। वो हाँ तो वो किस्सा ऐसा है कि हम अभी तक हंसते हैं जब भी लाइट जाती है। और आपको पता था? नजर आ रहा है मुझे थोड़ा बहुत पता था, मुझे क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी थी ना, मुझे थोड़ा बहुत पता था, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं पता था। आप बड़ी हैं इनसे? जी बिल्कुल भी जुड़वा बहन नहीं लगते भाई, एक साथ आप छोटी बड़ी हैं नहीं। अच्छा काफी लोग कहते हैं लड़कियां खुश होती है। हाँ जी अब किस्सा याद आया या मैं उनसे पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल जी।
असद भाई भी काफी छोटे थे और ये मॉम ही नरेट करती है इनकी स्टोरी के आई थिंक मेरे ख्याल में से 6-7 साल के होंगे तो जब भी हमारे घर कोई मेहमान आते अच्छा। ये पहले एक अटायर में उनसे मिलते फिर अच्छा। जाते कपड़े अच्छा। चेंज करके फिर दूसरे अटायर अच्छा। में मिलते फिर तीसरे अटायर में मिलते और वेदर का कोई कंस्ट्रेंट नहीं था सर्दियों में गर्मियों के कपड़े आ रहे हैं गर्मियों में सर्दियों के कपड़े आ रहे हैं बस वो 3-4 दफा सेम गेस्ट को रोटेशन लगती थी यार ये डिफरेंट चीज है मैंने कभी नहीं सुनी किसी जरली ना करती है ऐसे मेरी छोटी बेटी जो क्या यही हर थोड़ी बार कपड़े चेंज करके कोई गेस्ट आया तो कभी वो फ्रोजन के कपड़े पहन के आ जाए कभी वो सर्दियों का मैं कहता यार सही हो रहा है ये कोई नई चीज हुई है मुझे लग रहा है जरली ना करती रहती है भाईजान की बात याद आ गया अहमद की एक रिक्वायरमेंट होती थी जब भी इसने किसी के घर जाना होता था तो ये मामा से कहता था कि आप उनको कॉल करें और कॉल करके कहें कि अगर आपने लंच किया या डिनर किया तो मेरे लिए आपने 2 पेप्सी साइड पे रखी एंड एक्चुअली ये होता था तो ये फोन के पास खड़ा रहता था और मामा कॉल करती थी और उनको कहती थी कि जी वो मेरे बेटे ने आना था 2 पेप्सी इसके लिए आप जरूर रखें आप लोग क्या किस्सा सुनाओ ये बात से याद आ गई बात कि पेप्सी का किस्सा जो है ना हम आज तक यानी कि समझ लें एक तो होता है हम लोग आपस में बहन भाई फिर होता है हमारे कुछ इंटरनेशनल कजन जो बाहर भी रहते हैं मुल्क में भी हैं तो एक ग्रुप होता है ना वो सब हम उसमें समाये हुए तो उस उन सब में एक इनका किस्सा पेप्सी का बड़ा मशहूर है क्योंकि मेरी वजह से हुआ था वो अच्छा। हम एक दफा उस वक्त श्रीदेवी कोई नई नई हिट सी और कोई नई सर्जरी करा के शायद वो आई थी तो वो ऐसे थी ऐसे अच्छा। तो उनका जॉ जो था ना वो थोड़ा सा आगे था वो मतलब क्यूट लगती थी तो ये एक दिन गाड़ी में बैठे थे और मैं अब्बू अम्मी और हम लोग आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक जैसे खाते हैं बच्चे आउटिंग पे जाते हैं तो उस दिन लकीली हम दोनों ही थे बाकी 2 भाई घर पे थे तो हम दोनों गए तो ये ना एकदम ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी तो मैंने बोला मुसलमान तो सरीदे भी लग रही हो हाँ बाकी वो यूँ हो गई मैंने बोला यार इतनी ज्यादा आप मिल रही थी यूँ करो वो यूँ अब वो यूँ ही बैठी थी ना मेरी बहन अब ये कोई टेक्निक भी आगे का दांत पीछे को यूं जोड़ के ये यूं लॉक तो, कर लिया अपना जॉ लॉक जॉ अब वो आया वेटर आया जी क्या चाहिए अब्बू ने बताया अब वो हमें आगे बैठे उनको पता ही नहीं हम दोनों पीछे वो आया तो उससे कह रही है 1 पेप्सी प्लीज अंदर लगा ना 1 पेप्सी प्लीज है ऐसे बोल दिया मैं भी नॉर्मल मैंने कुछ कह दिया होगा उसके बाद घर आए अब ये ना एक्साइटमेंट में कि जल्दी घर का दरवाजा खुले तो ये अपने रूम में जाके मिरर देखे अब हम सब खड़े हैं अब जो होता है ना अब जल्दी हाँ हाँ बेटा क्या हो गया यूं करे जैसे खुला यूं गई है ये फॉरन गार्ड अब मैं एक आवाज मार रहा है दादा इतनी गंदी लग रही थी मैं कार्टून लग रही थी वो किस्सा आज तक पूरे खानदान मेरा कजन वैसे तो माशाल्लाह हर किस्से हमारे हैं बहुत सारे हैं लेकिन ये एक हाइलाइटेड है ये किस्सा जो आज भी आपकी वो चेड़े बंद कर दी प्लीज अगर हम ग्रुप में बात भी कर रहे होंगे तो लिखा आएगा 1 पेप्सी प्लीज वो लोग वो भेज देते हैं वो इमोजीज भेजने शुरू कर देते हैं अच्छा अगला सवाल डैश चीज हम कभी एक दूसरे से शेयर नहीं करते हाँ भाई लड़कियां तो शेयर करती हैं बहुत सारी चीजें शेयरिंग इज केयरिंग हम में कुछ बस छुपा नहीं है मुश्किल है शेयर कर रहे होते हैं हां कोई ऐसी चीज है जो शेयर नहीं करती कोई बात भी हो सकती है कोई चीजें भी हो सकती हैं आप लोगों को सोचना सबसे मुश्किल होगा क्योंकि लड़का लड़की भाई कर लेते हैं शेयर बहनें भी कर लेती हैं शेयर नहीं आप सवाल ये कि क्या नहीं करते हैं क्या शेयर नहीं करते ही डजंट शेयर हिज कार अच्छा गाड़ी नहीं शेयर गाड़ी के मामले में नहीं गाड़ी के मामले में मजाक नहीं ही इज वेरी पोजेसिव अबाउट बेसिकली ये वो हैं कि जिन उनके पास अगर फ्री टाइम होगा ना तो ही गो आउट ही अल्हम्दुलिल्लाह घर में और भी लोग होंगे जो कि गाड़ी का ख्याल रख सकते हैं बट ही वुड डू इट हिमसेल्फ खुद साफ करेंगे खुद जाके सारा उसको देखेंगे ओके ओके तो ये उनका छोटा अगर देने भी होगी तो उनके दिल पे एक वो पत्थर रख के अच्छा यार ठीक है मेरी गाड़ी की चाबी वैसे क्या एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हां वो बेसिकली और आप लोग कुछ हुआ हम लोग उससे ज्यादातर मेकअप काफी ऐसी चीजें जो हम लोग शेयर नहीं करते
अच्छा भाई ये नहीं था कि शेयर क्या करते हैं तब मुश्किल हो जाती, ये सवाल तो इजी है क्या शेयर अक्सर जो ये बाली पहनते हैं हम छोटे से बड़े हो गए लेकिन आज तक हमारी ये डैश आदत नहीं बदली। अचानक लड़ाई कर देंगे नॉर्मल बैठे में खाना खा रहे हैं जैसे अब ये मेरे सब हमें यानी साथ आके खड़ी हो गई और मैं बात कर रहा हूँ यासर से हाँ, यारी उठाना तो मैंने सुना नहीं मैं बात कर रहा हूँ उठाना मैं बस फड्डा फड्डा शुरू लड़ाई एकदम हाँ फड्डे से मतलब ये कि नाराज हो गए अब जब मेरी गलती अगर वो तो 90% तो हमारी होती है भाई तो अब जैसे मेरी गलती है तो फिर ये है कि मैं फिर हम बनाते रहते हैं हाँ। और फिर वो दो भाई मसाले डालते रहते हैं नहीं आपको ये करना नहीं आदत बचपन से लेकर अभी तक है हम लोग अचानक जो है ना हो जाती है और हाँ। एक सेकंड पहले नॉर्मल है सब हाँ। अचानक पलटा खाया हाँ। मतलब मैं बाथरूम गई हूँ बाथरूम से बाहर निकली माहौल चेंज ऐसे ही होता है बदल गया हाँ भाई यहाँ पे हमारी भी वही है जो पेट फाइट्स होती हैं आपस में सिबलिंग्स की बट हमारा आज इज टुवर्ड्स द मोर फिजिकल नेचर मैं बैठा हूँ वही आके मुझे पुश कर देंगे फिर मैं पूरे घर में अभी भी ये चीज है अभी भी पूरे घर में भागूंगा पिलो फाइट्स फिर अगर मैं हाँ वो भी चलती है वाटर फाइट्स हो रही होती हैं अभी भी और अगर कैसा लग रहा होगा ईद का मौका वाटर गन निकाल के अम्मी कहेंगी मेरे बिल्कुल वो यही होता है अब तो ये होता है कि बोथ ऑफ अस अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मैरिड तो अगर मुझे असद भाई नहीं टारगेट मिल रहे हो तो मैं अपनी भाभी को टारगेट बना लेता हूँ अगर असद भाई को मैं टारगेट नहीं मिल रहा हूँ तो ये मेरी मिसेस को बना लेते हैं अब सामने ला उनके साथ भी पिलो फाइट जी सिस्टर हमारी बड़ी है She's 3.5 years older than me. तो हम उनके साथ भी करते हैं वो भी आ जाती हैं और ये बहन भाई में तो ये रहता है और वो हम लोग फिर मॉम जो है ना वो पूरे घर में हमारे पीछे भाग रही होती है कि तुम लोग कोई ना कोई चीज तोड़ोगे और ना करो बड़े हो गए हो ओह माय गॉड ये डिफरेंट है भाई चीज बड़े हो के भी अम्मा को डेकोरेशन पीसेस बचाने पड़े बिल्कुल कह रहे हैं ना वो तो पिलो फाइट्स करती है तो इतने बड़े नहीं अभी आप बताओ अभी ये लोग तो मेकअप में भी एक दूसरे का बाल पकड़ के जैसे जरा हमारे पास बचपन की डॉल्स हैं जो अभी तक हमने सेफ रखी हुई और कभी कभार हमारा मूड होता है तो हम लोग उसको निकाल के स्टोरीज बनाते हैं कोई स्टोरी बनाऊंगी एक लड़का लड़की को लेके डॉल की ये लाइफ है ये ब्रेकअप हो गया एक नई लड़की लिया इस तरह से ना अच्छा, तो हम अभी भी स्टोरीज बना रहे हैं कैमरा रख के शूट कर लेना हमने वीडियो सॉन्ग्स बनाई एक है वो बचपन से दोनों की आदत है मैं भी एक दफा अपने बेटे के लिए रिमोट वाली गाड़ी लेके आया उसको कम मैं खुद ज्यादा खेल अच्छा हम दोनों में से अम्मी अब्बू की गुड बुक्स में से हमेशा ये वाला सिबलिंग रहा है अब आप दोनों की दोनों में से ज्यादा अम्मी और अब्बू की गुड बुक्स में कौन रहा है अब्बू की गुड बुक्स में तो बाजी रही है हमेशा ठीक है अब्बू बहुत बहुत ज्यादा प्यार अंदरला वो करते रहे और अम्मी के साथ मेरा लाड था लेकिन ये कि अंदरला और अम्मी की दोस्ती ऐसी थी कि अम्मी और हमारी दोस्ती बहुत माँ बेटी का तो रिश्ता नहीं था दोस्ती वाला ही रिश्ता था दोस्ती ऊपर तले वाले जो बहन भाई और दोस्त होते हैं उस टाइप का दो ही लड़कियां तो थी घर में बाकी सब आदमी आदमी घूम रहे आदमी आदमी अम्मी तो मुझे बहाने बहाने से बुलाती थी फिजा मेरी जो भांजी है उसको कहती थी कि उसको बुलाओ बुलाओ खुद नहीं बोलती थी बस बुलाओ भांजी नहीं भतीजी 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 भांजी तो यही भतीजी हां भाई आप दोनों में से अम्मी अब्बू की गुड बुक्स में कौन मैं ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की जी दोनों की मुझे गुड बुक्स में आने का कोई शौक नहीं है बिकॉज़ आई एम द यंगेस्ट तो मैं उसका फुल एडवांटेज उठाता हूं ओह नहीं लेकिन क्यों मतलब अम्मा और अब्बा दोनों के फेवरेट नहीं है आप नहीं फेवरेट तो हैं मॉम का फेवरेट लेकिन अच्छा वाला बेटा वो मगर अच्छे वाले मतलब रिस्पॉन्सिबल सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके शोल्डर पे है मुझे कहते हैं बस ठीक है मैं डैड का फेवरेट हूँ ये मॉम का फेवरेट अच्छा है हाँ जी बट गुड बुक्स में मैं ही रहता हूँ गुड बुक्स में दोनों जो गाड़ी का इतना ख्याल रखता है बाकी चीजों का कितना रखता होगा ये तो सुबह सुबह पायदान को पकड़ो हाँ भाई यहाँ पे क्या सिनेरियो है
कौन अब्बा की लाडली, कौन अम्मा की लाडली? तुमने बताया था वैसे अभी? हाँ वैसे मैं हूँ जैसे डैड की लाडली, की मेरी बनती अम्मी से ज्यादा है, क्योंकि बात होनी है वो भी ना, तो मेरी अम्मी की बड़ी जरा सा यू नो लाइक सिस्टर वाली बॉन्डिंग, जैसे हर चीज शेयर कर लेना एंड ऑल दैट. और मैं घर में ज्यादा एंटरटेनिंग वाली बच्ची हूँ, लाइक कभी बोर हो रहे होंगे पेरेंट्स, आ जाओ इनाया बातें करो हमसे, यू नो दिल बहलाओ एंड ऑल दैट, और वो बड़ा एंटरटेन रहते हैं. और ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है घर की जिम्मेदारियाँ देखना एंड यू नो लाइक हर चीज को देखना. जब देखा भागता हुआ देखा, रुक जाओ बात करते हैं, क्या जल्दी में रहता है, कोई ना रुक के बात कर लो, रुको देख रहे तो क्या हुआ यार, क्या तेरी जिंदगी में क्या टेंशन है, बता. चूहे की बात हो रही है, चूहे की हुआ यार, लोग मुझसे पूछना शुरू हो गए किसकी बात हो रही है, हम चूहे की बात कर रहे हैं. बात कर रहा हूं कि दानिश का कहना है मैंने उसको जब देखा है वो भागता है, टेंशन में देखा है, कभी टेंशन नहीं देखा भाई, कभी रुक के कुछ खा रहा है पानी पी लो, नहीं तक को भी रुके हुए पानी पीते हुए अंडे देते हुए, चूहे को पता नहीं क्या मुसीबत है, यूं भाग रहा है इधर का उधर जा, छोटा सा ब्रेक ले, क्या है तुझे यार, क्या प्रॉब्लम है भाई, तू बैठ हल करते इस मसले को, आजकल तो फेसबुक पे एक एक मसले का हल है, यूं करना है आ जाएगा हल, चूहे का भी कोई मसला है तो यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं. एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हमारे पास है जी बहन भाइयों की जोड़ी, और यहाँ एक दूसरे के बारे में अक्सर बातों बातों में बहुत सारी बातें निकल जाती हैं, और बहन भाई एक दूसरे के बारे में बोल देते हैं. अभी भी यही कुछ होने वाला है, आप तीनों जोड़ियों के सामने जो है वो क्या कहते हैं उसे, पैमाना कहते हैं, मीटर्स रखे हुए हैं, ठीक है, जीरो से लेकर 100 तक. अब जो भी मैं पूछूंगी उसका जवाब आपने इस मीटर के थ्रू देना है. फॉर एग्जाम्पल, पहला कॉमन क्वेश्चन जो सब तीनों जोड़ियों से है, गुस्से के मामले में किसका पारा कितना हाई है, गुस्से के मामले में, और किसका लो रहता है, किसका हाई रहता है? क्या आप लोग रख के बैठे हो, क्या हो क्या रहे? कैमरामैन को यूं यूं कर रहा है. अच्छा कैमरामैन यूं, चलो पैमाना तो आगे मीटर क्या करूं, आगे ले आऊं? नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, काम दे दिया इसको, यूं कर रहे हैं, मैं छुप रही हूँ. आप सही, आप नहीं छुपोगी वो. अच्छा अच्छा, आप बताओ, आप दानिश का बताओ, अंजलि ना क्या बताना है, गुस्से का तेज कौन है, गुस्से का तेज कौन है, गुस्से के मामले में किसका मीटर कितना हाई और कितना लो है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे. हाँ लेकिन जब गुस्सा आता है तो, गुस्सा आता है तब कर लूं, ऐसा नहीं गुस्सा आ जाए आपको, आपने भी करना है अकेले, उसने भी करना, पीछे से रोकना था, नहीं ये लड़ाई नो चूहे चूहे बिल्ली का किस्सा सुना था ना, ये है ओके. यार अंजलि और दानिश का तो 100 होता है गुस्से के मामले में, इधर इनाया, इनाया की बहन की तरफ 100 दिया हुआ है और इनाया की तरफ कुछ 50 से लेस है, और यहाँ ओके ओके आपके भाई गुस्से वाले लगते नहीं है. ये सवाल करूँ आपसे, किन बातों पे गुस्सा आता है वो, कोई बात नहीं, 100 पब्लिक देख चुकी है, अब खैर है, गुस्सा है तो है, मैं गुस्सा आ ना जाए दोबारा तो खत्म हो जाएगा. अच्छा ज्यादातर किन बातों पे गुस्सा आता है, किन बातों पे गुस्सा? ज्यादातर वैसे ज्यादा गुस्सा नहीं करती मेरी बहन, बहुत ही खासतौर पे जब से इन्होंने साइकिलिंग और जिमिंग वगैरह शुरू की तो साइकिल ही तोड़ रही है दो तीन दिन तो गुस्सा अंजलना, लेकिन जब कभी अगर आप दोनों को आता है, लेकिन अंजलना को अगर जब कभी गुस्सा है, जैसे अगर इसको आपने, जैसे अंजलना ने कोई अपना फेवरेट ड्रेस पहना है, अगर हमने थोड़ा यू यू कर दिया तो गुस्सा आ जाता है, या कोई ऐसी चीज खाना पकाया और हमने बोल दिया ये तो गुस्सा आ जाता है, अगर हमने बोल दिया लिपस्टिक थोड़ी डार्क रख दी तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर हमने बोल दिया कि यार आज थोड़ा वेट आप कर रहे हैं तो गुस्सा आ जाता है, अगर हमने बोल दिया कि यार दरवाजा खोलने में थोड़ा टाइम लग गया तो आ जाता है गुस्सा इंसान, और मेरे मैसेज का जवाब ना आए तो गुस्सा आ जाता है, अगर फोन व्हाट्सएप पे जवाब ना दे तो गुस्सा आ जाता है, फोन अगर देर से पिको तो गुस्सा आ जाता है, अगर आपने यहाँ इनको किस बात पर गुस्सा आता है, इनका तो हमें हर वक्त डरे हुए होते हैं, कभी आता है ये देखो ये बदले नहीं लेना आपने, सच बताया हम सच हमें डरे होते, अभी भी क्वेश्चन पूछो तो भाई गुस्सा तो नहीं करेगा
लेकिन ये है कि ये इसका भी मेरी तरह है, हम बराबर है बिल्कुल। लेकिन गुस्सा यूं आता है हमारे घर में, अगर किसी को गुस्सा नहीं आता तो वो है फराज, उस वो सबकी बातें सुनता है और उसको गुस्सा नहीं आता। लेकिन जो गुस्सा जिसको बिल्कुल नहीं आता और अगर वो करता भी तो हम समझते हैं, तो वो है एक और भाई। अच्छा, हमें कुछ ज्यादा इसकी हंसी आ रही है कि सारे फैमिली की वजह से हम एक दूसरे को समझते हैं ज्यादा। आप लोग भी हंस लो, क्या है फैमिली बनने में कितनी देर लगती है। ओके, यहाँ पे क्या सिनेरियो है, गुस्सा आता है तो किन बातों पे आता है? अहमद को तो एक दो चीजों पे आता है, अगर इसको टाइम पे खाना ना मिले तो उसको गुस्सा आ जाता है, ये भी होता है। और अगर गरम गरम ना हो, और अगर वांट माय फूड पाइपिंग हॉट, और अगर हम कहीं जा रहे हो एंड इफ यू कॉल हिम 2-3 टाइम्स तो थर्ड कॉल पे इसको गुस्सा आ जाता है, मुझे क्यों बार बार कॉल आ रहा है। और आपको गुस्सा क्यों आता है? अगर आप लेट हो जाए तो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू गो टुगेदर एंड टाइम, या बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली पंक्चुअल, इफ ही सेज कि ही इज गोइंग टू बी देयर एट 8, ही विल बी देयर एट 8 बाय बाय हुक और बाय क्रूक, ही इज देयर। मेरा थोड़ा सा मसला है, आप लेट लतीफ है, मैं हमेशा लेट कराता हूं इनको, और हमेशा ये गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी में बैठते सार मुझे बस यूं करके देखते हैं, मुझे पता है अभी 5 मिनट जो है ना बात नहीं करती। और यहां क्या है सिनेरियो, गुस्सा क्यों आता है? इसको 100 इसलिए आता है क्योंकि इसको हर बात पे गुस्सा आता है, अच्छा गुस्से में रखती है, अच्छा सुबह नहीं उठ के जो होते हैं बस वो क्या है, सुबह क्यों हो गई, क्यों हो गई सुबह, और अगर इसको सोते हुए उठा दो, ओ हो फिर तो इस पहाड़ टूटता है। तो यहाँ तो गुस्से वाले एलिमेंट है ही नहीं, ये तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, ये बिल्कुल चिल बन गई है। लेकिन जब आ जाता है ना तो ऐसा आता है कि बस नहीं, ये तो आपने पहले 50% रखा है। हाँ, लेकिन इतना ही आता है। अब आप जब आ जाते हैं, आपने बोला अच्छा ये मेरी इतनी बुराई कर रहे हो, मैं भी बताती हूँ। अम्मी इससे शुरू की थी घर जाके, ये जब घर में एंटर होगी ना ये गुस्सा करेगी। तहनियत तहनियत जी, बड़ा आपको याद है भाई दरवाजा, वो मेमोरी तेज है। कैसे याद है, तहनिया नाम है ना उसकी, अरकम की बेटी का, तो वो दरवाजा, मैं बार बार सोच रही हूँ कि तहनिया है कि तहनियत है, तहनिया, थैंक यू मुझे तहनियत। अच्छा, अगला सवाल मैं ये कर रही हूँ कि पैसों को खर्च करने के मामले में किसका हाथ ज्यादा खुला है? मेरा, ये मीटर इससे ऊपर नहीं जाता। मेरा दोनों, तो आप लोगों की कितनी आदतें मिलती हैं, मेरा दोनों का हाथ जाता है। आपका भी हाथ खुला है? मेरा अभी तो ही नीचे, दानिश का थोड़ा नीचे। हाँ, मैंने इतना ज्यादा नीचे, हाँ बस इतना, ये गिरा मैं क्या करूँ। वो कह रहे नहीं, झूठ बोल रही है, वो ढीला हो गया, ढीला हो गया, वहाँ से ढीला हो गया, पकड़े बचा रहा है आपको, आप बताए। ओहो, दोनों का हाथ खुला है, अल्लाह रहम। हमारे हाथ नहीं है, हमारे होल्स हैं। हाथ में होल है? नहीं, हाथ में होल्स नहीं है, होल्स हैं, हाथ है ही नहीं, हाथ है ही नहीं। जो पैसे आते गए गए बिल्कुल, तो कौन संभालता है भाई? नहीं नहीं, हम लोग करते हैं। आपकी बेगमात संभालती हैं, अम्मी संभालती हैं? नहीं नहीं, हम लोग संभालते हैं, बट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ, वी स्पेंड अ लॉट। दोनों ऐसे हैं। और आप दोनों, इनाया थोड़ी सी समझदार है या नहीं? नहीं, मैं, आप समझदार हैं, और ये तो बस बहुत जो कमाया और वो लगाया, बहुत ये बाहर ओए ओए ओए। अगर इससे कहेंगे ना कि यार ये चीज देखे ना, वही चीज लाएगी, मतलब एक्स्ट्रा नहीं लाएगी कभी, खाने पीने की चीजें, जैसे यार 4 समोसे ले आना, 4 ही लाएगी। मैं जो हूँ ना, मैं 2-4 एक्स्ट्रा ले आऊंगी, चलो यार इंसान को भूख लगती है तो क्या पता यार और दिल चाह जाए, तो इस चीज में बहुत कंजूस है। अच्छा, तो मतलब आप इसे कहेगी कि कंजूस में शुमार हो, शी इज कंजूस यार, लेकिन अच्छा। अपने मामले में नहीं है, अपने मामले कुछ चीज चाहिए वो जितनी भी महंगी चीज क्यों ना खरीदेगी। हाँ। अच्छा भाई, अगला सवाल, झूठ बोल के छुपाने के मामले में कौन कितना माहिर है कि पता ना चले ना सामने दूसरे बार? हम लोग शक्लों में साफ आ जाते, साफ आ जाते, हम झूठ बोलते ही नहीं है। हाँ, कम, हाँ, मैं तो नहीं बोलती, यहीं से शुरू समझ। नहीं, से मीटर पर। नहीं भाई, हम झूठ नहीं, हमारा एक्टिंग नहीं कर सकते, एक्टिंग नहीं कर सकते हम लोग, वैसे झूठ कम ही बोलते हैं, क्योंकि शुरू से हम लोग, हमारी जो हम जो बड़े इस तरह हुए कि यार जो है बोल दो, क्योंकि और अगर हमने कभी कोशिश भी की है तो सब समझ जाते हैं कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे चेहरों पे बिल्कुल आ जाता है। हम कहते हैं वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, झूठ क्यों बोले यार, अल्लाह का शुक्र है हर चीज सही है, तो कोशिश करते हैं झूठ नहीं बोले। और यहाँ क्या सीन है यहाँ पे? ओहो, वो माहिर, मतलब लाइक पहले ही फैमिली में एक्टिंग करते हैं, घर में उसको एक्टर कहते हैं, एंड माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू कॉल हिम एफए खान, एफए खान फनकार अली खान।
अच्छा तो वो फनकारी ऐसी है कि पता ही नहीं चलता पेट में दर्द एक्चुअल है कि स्कूल की छुट्टी का बहाना है। ही वाज अ ड्रामा और वो बचपन में भी स्कूल जाना हो सारा कुछ हो इसने खानी बनानी थी और वेरी कन्विंसिंग। अच्छा आपको कन्विंस कर लेता था और आप पकड़े जाते हैं। मैं सादा आदमी था ये झूठ बोलते ही नहीं। हाँ। झूठ भी नहीं के मतलब झूठ तो हम में से वैसे इतना कोई बोलता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बात झूठ होते हैं ना कभी। हां जी तो ही इज ब्लंट ही इज अपफ्रंट ही इज लाइक ना बस मैंने नहीं अब देखिए ये सिचुएशनल झूठ आजकल जो चल रहे हैं वैक्सीन नहीं कराई कराई कार्ड भूल गए ये सिचुएशन है। मैं एक रेस्टोरेंट में गया तो उन्होंने एकदम पूछा सर वैक्सीनेशन कार्ड दिखा दें। हाँ। मैंने पहले आप दिखा दें सर फिर आप जाएं अंदर क्योंकि हम लोगों ने तो जब लगाई वैक्सीन हमारे तो हमने इंस्टा पे शेयर किया सब लोगों ने हमारी तो मजबूरी भी थी ट्रैवल वगैरह भी करना है कुछ लोग बदीन से आगे जा ही नहीं रहे तो वो लगाई नहीं जरूरी है भाई लगाना सबको लगवानी चाहिए। हाँ जी दोनों झूठी बैठे अच्छा और ऐसा कि पकड़ नहीं पाता कोई नहीं नहीं हम लोग दोनों में हमारी इतनी अच्छी बाउंडिंग है हम लड़ाई से सोचते हैं ये झूठ बोलना है ऐसे रखना है। हाँ जैसे जैसे फॉर एग्जांपल किन बातों पे मिलके झूठ बोलते हैं। अच्छा ये मिलके बोलते हैं ना झूठ तो कोई भी कहीं जाने का प्लान है कोई फ्रेंड करो यार चलते हैं आज नहीं यार आज ये है तो मैं इससे कहेंगे अगर मैसेज करो ना बता देना कि ये तो वो रेडी रहती है हमेशा। देखना भाई मॉर्निंग शो का झूठ नहीं बोल रहा नहीं नहीं इराया से हम ये पूछे थे अहमियत से हम इराया वाकई बीमार है इंस्टा पे देख लूंगी पार्टी में तो नहीं आएगी। ओके अच्छा सफाई और चीजों को ऑर्गेनाइज करने के ये इन बिल्ट होती है ये चीज है ना कि भाई सही जगह हर रखी हो और चीज सफाई और चीजों को ऑर्गेनाइज करने के मामले में कौन किस मीटर पे है। वैसे तो हम अलग अलग रहते हैं लेकिन ये कि मैंने अंजलना को देखा है कि थोड़ी सी ऑर्गेनाइज होती है और हमें बड़ी डांटे पड़ते हैं चक्कर यार ये क्यों फेंकी और खुदा ना खास्ता गलती से ये उसी दिन सफाई की हो तो आप समझ जाए कि आप सोफे पे भी यूं बैठे यार गंदा ना हो जाए इतने उस दिन सफाई में तो फिर थोड़े फ्रीक है। हाँ ये जैसे होता था कभी अंदर दौरा पड़ा सफाई का और घर की सफाई हुई और ऐसी सफाई मतलब वो होता था कुछ लोग इंजन खोलते थे बंद नहीं होता तो ऐसी ऐसी जगहों की सफाइयां शुरू कर देती अब खत्म नहीं हो रही सफाई और वो बंदा थक गया कि यार ये क्या कर दिया मैंने। उसके बाद अगर आपने खुदा ना खास्ता कोई गंद कर दिया गलत जूते ले आए या बेड सोफे पे या यूं यूं कर दिया फिर तो आप गए। नहीं तो अंजला ये क्या दानिश भी ऐसी था कि ये कभी वो वाला भाई नहीं था तौलिया फेंक दी है तो जूते फेंक दिए इधर उधर नहीं मैं से डरता था ना बचपन से डरता था। हाँ। नहीं नहीं दानिश अब एक अलग हो गया तो, बताओ नहीं इतना ऐसा नहीं था कुछ। हाँ। मतलब कोई ज्यादा नहीं लेकिन इनको पता था कि मैं सफाई वगैरह जब करती हूँ तो इनको बस हर हाल में पता है कि ये इसने किया है तो अम्मी ने किया तो कोई टेंशन नहीं होती अम्मी की टेंशन नहीं होती थी लेकिन जब आपने मेहनत करती थी झाड़ू पोछे डस्टिंग सब कुछ करती थी फिर तो मैं छोड़ने वाली जब नहीं जाहिर है कोई जो सफाई करता है उसके दिल पे तो गुजरती है ना यार क्यों नहीं ये लोग डरते थे ना इसलिए ये लोग ख्याल करते उस दिन हम पूरा दिन बाहर रहते थे अब ये भी सफाई पसंद है सफाई पसंद बेगम भी सफाई पसंद है केयरिंग जरूरी है। हाँ जी यहाँ पे क्या सिनेरियो किसको ओसीडी होता है ना कभी कभार किसी को जो चीज है वह वहीं रहे हम लोग जब बाहर थे तो वी वर फोर हाउसमेट्स इन अ फोर बेडरूम हाउस एंड वी हैड अ वेरी बिग स्पेस। हाँ तो हमारी जो घर की हाउस होल्ड अम्मी थी वो ये थे और हम इन्हें कहते भी अम्मी थे हम लोग तो ऑब्वियसली जैसे बॉयज होते हैं वेरी राउडी कभी इधर फेंकी हुई एंड ही यूज्ड टू बी स्टैंडिंग ऑन आवर हेड्स बिल्कुल अम्मियों की तरह कि नहीं आई वांट दिस क्लीन आई वांट दिस डन राइट देन वरना मैं तुम लोगों को खाना नहीं ले खाने दूंगा मैं तुम्हें ये नहीं करूंगा यूज्ड टू लिटरली फिजिकली चार भाइयों में अम्मी का दर्जा आपने इनको दिया इनको दिया हुआ था और वो हम लोग सारे रिलाय भी इसी तरह करते थे इनको टू बिकॉज़ ये आज खाने में क्या पकाया है ही वुड पे द बिल्स ही वुड टेक केयर ऑफ एवरी अदर एडल्ट रिस्पांसिबिलिटी व्हाइल वी वर ऑफ हैविंग फन तो इसलिए फिर मुझे बेसिकली बहुत तीन खराब हाउसमेट्स मिले थे एक भाई था और दो बाकी फ्रेंड्स थे तो वो तीनों जो थे वो लेजी थे और स्लैकनेस की इंतहा थी आपको जरूरी था एक हाँ जी तो वो मुझे वैसे भी आई लाइक क्लीनिंगनेस और वो सारी चीजें तो मैं जब घर पे आता था तो उसका हशर हुआ होता था तो फिर मैं इनको
because I was the eldest, तो मैं इनको इकट्ठा जोड़ के और मैं खुद नहीं करता था, इनसे करवा रहा था। तभी तो अम्मी का नाम दे रहे हो। इन्होंने मेरा नाम ही बोला। अम्मी। आपने कहिए तो ये 100 दिए हैं। 100 in the sense कि ये बहुत ज़्यादा नफासत है। और ये थोड़ी discipline में काम है। ये जब भी shoot पे जाती ना कोई ना कोई चीज़ घुमा के आती है। इसकी अलमारी ऐसी होती है जब ये अलमारी खोलती है तो सारे कपड़े सब मैं समेटती हूँ उसकी चीज़ है। और ये मेरी भी चीज़ें लेके आती है ना shoot पे कोई ना एक चीज़ घुमा के आती है। एक बार तो पूरा सूटकेस भूल के आ गई। पूरा सूटकेस वापस नहीं मिला। हाय हाय। कंटिन्यूटी थी सारी। कौन ले गया तुम्हारे कंटिन्यूटी? पता नहीं कौन लेके गया, आज तक पता नहीं चला ये बात। एक सेट देख लेना कोई पहना हुआ नजर कहाँ चले जाता है ड्रेसिंग टेबल पे रख के मेकअप चोरी हो जाता है। साफ बोलो पर्दे क्यों डाल रही हूँ, चोरी हो जाता है। एक असिस्टेंट रख लेना साथ करके। हाँ, हाँ सही कह रहे हैं, रखने के लिए चीजों को संभालने के लिए होना चाहिए। अच्छा कौन हर वक्त बाहर जाके खाने के लिए कौन ज्यादा तैयार रहता है मीटर के हिसाब से बताइए खाना खाने के लिए तैयार तो दानिश के लिए कहाँ जाना चाह रही हो आप? और अंजल्ला हर वक्त मैं तो हर वक्त शौकीन खाने खाने की शौकीन। ओके आप लोग बताए आप हर वक्त तैयार रहते हैं और ये जिम जाने के लिए हर वक्त? आई लाइक टू ईट एट होम वैसे, मेरी जो मिसेज हैं वो मेरी जो घर रहने की ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होने देती ज्यादा। अच्छा उनको शौक है बाहर जाने। Yeah, she likes to eat. She's a foodie. अच्छा my भाभी is also a foodie. अच्छा असद भाई भी हैं but हमारी वाइफ्स ज्यादा हैं हमसे तो इसकी वजह से वी आर मोर। वैसे भी बेगमा ज्यादा होती हैं बाहर जाने की शौक। अच्छा ऐसे बोल रही है मेरी तो लाइक हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ ऐसे नहीं। और यहाँ दोनों फूडी हैं दोनों। हर वक्त बाहर ले चलो सुबह निकलो दोपहर अब तो सुबह नाश्ते में भी चले जाते हैं। हाँ वाह यार हमारी तो हिम्मत नहीं होती और बिल्कुल रेडी रहते जाने के लिए। गिफ्ट्स देने से ज्यादा लेने के मामले में कौन कितना फोकस होता है वो मीटर बता। 100 हाँ भाई गिफ्ट चाहिए और दानिश भाई और ये देते भी हैं। हाँ और इन्होंने तो आदत खराब की। दानिश के बारे में भी तो बताओ ना। दानिश का मीटर किधर तक है? कभी दिया नहीं बाजी ने वैसे लेकिन मीटर है कहीं तक भी ले जाओ। ये नहीं जा रहा रुक रहा। ये आप नहीं आप जबानी बता दो आपका जो टॉप है वेलकम ये भी ऐसे ही। हाँ शौक है कि गिफ्ट मिले लेकिन मिले या देना नहीं मैंने सवाल किया कि गिफ्ट देने के मामले में कौन लेने में ज्यादा जो है गिफ्ट जो है वो कितना मीटर हाई है किसका? क्योंकि हमारी एक ही बहन है। हाँ। हम लोग सब भाई जो सब, सब, सब जहाँ जाते हैं आपको क्या गिफ्ट मिले? अरे भाई इस मामले में तो मैं बहुत लकी मैं तो वैसे हाँ। ही बहुत लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये लोग जहाँ जाते हैं जो भी होता है मेरे लिए जरूर आप भी ऐसी है सब लेकिन हम ख्याल रखते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ अंदर के लिए जूते उतर लेके जाऊँ क्योंकि जूते बहुत तो उसके अलावा कोई ड्रेस लेके आता है कोई शूज सब अपने अपने हिसाब से बैग जैसे भाइयों के लिए मुश्किल नहीं है बहन के लिए चूज करना कि क्या लें क्या खरीदें? मेरे ख्याल से वो जब हम अपनी बेगमात के साथ भी होते हैं अभी जब अब बेगमात से पहले की बात कर रहे हैं कि अगर जब आप लोग कहीं गए हो शूटिंग वगैरह पर तो उस वक्त कैसे चूज करते हैं? इजी होता है कोई ड्रेस होता है या सूट होता है वो बैग्स होते हैं हैंड बैग्स बड़े इजी होते हैं सही चॉइस कर लेते थे ये लोग। हां हां बिल्कुल मतलब इनकी चॉइस अच्छी लगती थी। अब ये नहीं होता था कि कोई हम पसंद करके आ गया इसको पसंद नहीं आया तो मैं मार दिया ये नहीं होता। नहीं नहीं अच्छा जब ये मुझे लाके देते थे कोई भी गिफ्ट देते थे मैं वो यूज जरूर करती थी। अच्छा मुझे अच्छा लगता था कि मैं पहनूं। हाँ तो ये है कि पसंद हम सबकी तकरीबन एक जैसी होती है ना जैसे हाँ। इनको पता है हर चीज का क्या क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है तो वो यहाँ पे क्या अच्छा दोनों बिल्कुल
कोई गिफ्ट देने के मामले में अच्छा ही नहीं है, मतलब नहीं गिफ्ट लेने के मामले में, गिफ्ट देने के मामले में, देने के मामले में, हाँ मैं खुद सवाल ही भूल गई। शादी से पहले तक अभी यही करते हैं, बट मोरलेस मोरलेस यही करते हैं, अभी भी यही करते हैं मोरलेस। जी व्हेन आई ट्रैवल ओवरसीज तो फिर मैं तो फिर आप लेकर आते और यहाँ पे तुम जो हो गिफ्ट देने के मामले में और लेने के मामले में दोनों तरफ तुम पहले ही बता चुकी हो कंजूस है थोड़ी। हाँ, कंजूस भी। और जो आपको पता है सेलिब्रिटी आपको गिफ्ट्स आ रहे होते हैं, जो मेरे गिफ्ट्स होते हैं वो इसके गिफ्ट्स हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। यस एग्जैक्टली। एक छोटा सा ब्रेक शेयर कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन हम वापस जरूर आएंगे और मस्ती भरे सवाल होंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दानिश क्या हुआ, पड्डा हो गया क्यों बैठ गए आप? आई नीड सम स्पेस यू नो, ये इतनी मजे की जगह आपने बनाई है सेट पे, सेट के दूसरी जगह जाके बैठ गए। इतनी अच्छी आपने जगह बनाई थी सेट पे दो लोगों के बात करने के लिए। मैं बैठूं, हो सकता है थोड़ी देर बाद कोई आ जाए। ऐसा हुआ नहीं। आज आपको बहन के साथ बुलाया है, सॉरी आज आप फ्लर्टिंग नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मेरी प्यारी बहन मेरे साथ है। अच्छा। जरूरी नहीं कोई लड़की आके बैठे, कोई क्रिएटिव आदमी भी बैठ सकता था, कोई फोटोग्राफर भाई भी बैठ सकते थे। एक बड़े मजेदार बहन भाइयों के बीच में बात होती है, खास तौर पे जब भाइयों के रिश्ते होते हैं तो बहनें जाती हैं देखने के लिए। तो आप देखने गई थी इनका रिश्ता? हाँ बिल्कुल गई थी। बिल्कुल गए थे। आके वो होता है ना कि भाई वेट कर रहा होता है बीच में, पूछ रहा होता है कैसी लगी, कैसी लगी। ये वेट कर करके तो वेट बढ़ गया हमारा। सुपरमैन से कम नहीं थी हमारी बॉडी। लेकिन ये है कि हमारी भाभियां माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। है कोई ऑप्शन भी नहीं आया। क्या कह सकते हैं लाइफ शो में। बात है, बंदा क्या कह सकते हैं। देखो आप एक होता है ना, बहन की ख्वाहिश होती है कि भाइयों की जो बेगमात है वो आप ढूंढो। भाइयों ने आपको मौका दिया कि नहीं मौका दिया? मेरी बेगम तो देखने गई थी। मैं देखने गई थी, हाँ खास गई थी। और फराज की भी देखने गई थी। बहुत मजे का सीन था वो तो भाई। अच्छा। फराज की जो भाभी है मेरी, यानी कि फराज की जो वाइफ है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन है। अच्छा। वो टेक्निकली वो रिश्ता मैंने करवाया है। और हम लोग अचानक गए थे, भाभी को पता ही नहीं था कि हम रिश्ते के लिए आए हैं, किसी को भी नहीं पता था। हम बस ऐसे ही मिलने गए थे। अच्छा। और भाभी बिल्कुल सिंपल सी जैसे होती है घर में, वैसे बैठी हुई थी। बस मेरे भाई को पसंद आ गई। घर जाते ही बोला, घर जाते ही कहा रिश्ता कर दो, रिश्ता रिश्ता भेजो, पहला रिश्ता देखो फौरन। ओके। भाभी थी भी बहुत अच्छी। हाँ ठीक है, मतलब यार अभी हैं भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। आप दोनों की जब शादी हुई तो देखने आप लोग गए थे, तो होता है मशवरा। बिल्कुल, हमारी फैमिली डिसीजंस जितनी भी होती हैं, ऑल ऑफ अस वी टेक अ वोट ऑन इट। अच्छा। और हर एक की उसको उतनी वेटेज दी जाती है। अच्छा, तो जैसे आपकी, हमारी सिस्टर ही, अच्छा दोनों एक ही बहन है, वो ही जी, तो हमारे प्रपोजल्स भी दोनों के हमारी सिस्टर ही लेके गई। ओके ओके। तो शी वाज द वन, एंड उनका अप्रूवल मस्ट होता है, वो वाली वो ज्यादा जरूरी है। हां, यहां तो अभी ऐसी अभी कोई कहानी नहीं है ना। नहीं, मैं बेसिकली बेड लॉग हूँ। अच्छा, बेड लॉग। ओके, अच्छा। तो मतलब लाइक अम्मा अब्बा की पसंद या क्या? पेरेंट्स की पसंद होती है, खुद भी ऑफ कोर्स मेरे रिलेटिव्स में ही था, तो इस तरह से हुआ था। ओके, तो कोई मशवरा वगैरह लिया बैंड? इसकी तो बहुत बनती है, कजन्स ही है ना, कजन्स। अच्छा, तो फिर तो वो है। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई आएगा तो मैं सबसे पहले हां से जरूर मशवरा होगा? मशवरा ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। नहीं, पहली पसंद सही निकली तो बंदा मशवरा देना। ऐसा ना हो कि यार अपना तो तुमने सही पसंद किया, नहीं अब तुम हमारे लिए क्या। तो आप पहले भाई बोलती थी उसको, कजन में होता ना भाई। कजन्स में तो ऐसे ही होता है, आमिर भाई क्या हाल है, और ऐसे दानिश का ड्रामा भी ऐसे ही था। हां, चुपके चुपके ऐसे ही था। नहीं, इतना एज डिफरेंस नहीं है कि मुझे भाई बोलना पड़े। तो अब इतना बस। तो कब से कजन पे आपने नजर रखी हुई थी? बचपन से ही था। अच्छा, तो फुफी का बेटा या खाला का? दूर के कजन है, मतलब मेरे ताया की बेटी के बेटे। अक्सर ऐसी लड़कियां जो है ना, वो कजन्स की शादियों के में डांस करते हुए चूज कर लेती, वो भी तंबू के पास भी खड़े होकर देख रहे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनकी शादी हुई, जो मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा हाँ जी डांस प्रैक्टिस में, डांस प्रैक्टिस में मोहब्बत हो गई, डांस प्रैक्टिस में मोहब्बत हो गई, डांस करके अब दो छोटे छोटे डांस प्रैक्टिसेस घूम रही। अच्छा,
हाँ, अब मैं होता है ना कि जब बहन भाई खास तौर पे छोटे होते हैं ना कोई सबकी चेड़ होती है, कोई निक होता है, कोई चेड़ होती है आपस में, तो आप लोगों की कोई थी आपस में बचपन में? मेरी ही रहती है हर चीज में. क्या बोलते थे चेड़ कोई कुछ आप जो नहीं बहुत बुरी थी इतनी बुरी थी कि इससे पिटते थे लोग. अच्छा, और आज डेंटिस्ट बहन जी ऐसे बना इतनी बुरी थी, मैं चीखती थी बाकायदा. अब तो नहीं चिढ़ती. आप भी बता सकते हैं? हाँ हाँ, बता दो बता क्या थी. डब्बा डब्बा बोलते हैं अभी तो सुनने में. आप सब डब्बा बोलते थे. पता नहीं दाफराज की एक आदत है, वो इसी तरह का है ना, किसी का भी कुछ भी मजाक उड़ा लेता है. पता नहीं बचपन में कोई उसने बोल दिया होगा, मैं चिढ़ गई और आपको बुरा लग गया कि डब्बा क्यों बोला. मैं चीखती थी, पत्थर लेके मारती थी और एक दफा पत्थर मारा सीधा उसके दांत पे, फराज के दांत, फराज के दांत पे. अब वो डेंटिस्ट है माशाल्लाह, और तब से उसने आज तक डब्बा नहीं बोला. हाँ, नहीं नहीं वो तो खैर अब कहाँ बोलते हैं, अब तो हम कोई नहीं बोलते. दानिश की कोई चिढ़ थी? दानिश की चिढ़ मेरी कोई ऐसी इतनी कोई खास नहीं थी. नहीं कुछ भी बोलते, मैं चश्मा शमा पहनता था, चश्मा इस तरह पहनता था. लेकिन अंदर लगी पक्की थी, ये पक्की चिढ़, खतरनाक चिढ़. और हम कभी चुप भी होया बोलते नहीं भी थे. बाहर भी नहीं थे, जस्ट लाइक लिटिल एलॉन्गेटेड. अच्छा, हम बस यही बोलते होते. और आपकी कोई? मुझे बस ये छोटू छोटू छोटू, शॉर्ट हाइटेड, तो मुझे बस छोटू छोटू बोलते. मैं बहुत पतली थी तो मेरी बहन ने मुझे पिंक पैंथर बोला. पैंथर वो होती थी, और वो जो पॉपॉय द सेलर मैन में नहीं, वो मोटा विलन होता था, तो मैं अपनी बहन को वो बोलती थी कि तुम उठा, तो हम लोग इसी तरह करती हो. मैं भी पहले बहुत पतली थी ना, बिल्कुल. उसको हम पॉपॉय द सेलर की कौन सी गर्लफ्रेंड, ऑलिव होती है ना. हां, वी यूज्ड टू कॉल हर दैट. हां, वो मुझे भी कहा जाता, जो जो पतली पतली चुकी थी वो सब मैं मुझे बोला था. हां, और तुम्हारी क्या चीट थी? मेरी चीट थी, मुझे ये ट्यूबलाइट कहते थे क्योंकि मुझे हर बात बहुत देर से समझ में आती थी. अच्छा, ट्यूबलाइट. यस, ट्यूबलाइट. अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं. अब सेट पे कहते हैं? नहीं, फ्रेंड्स जो हैं. फ्रेंड्स सेट पे थोड़ी होशियार. अच्छा, अंजला आपको क्या लगता है अगर दानिश जो है वो एक्टर और डायरेक्टर नहीं होता तो क्या होता, क्या बनता, आपको क्या लगता है? दानिश एक्टर डायरेक्टर नहीं होता तो क्या लगता, नेक्स्ट क्या प्रोफेशन अपनाता? इंजीनियर होता है किसी. हाँ, तो, पढ़ाई पढ़ी इंजीनियरिंग. हाँ, इंजीनियरिंग पढ़ी है तो वही होता है, इंजीनियर बन. हाँ, मैं जॉब भी किया जब मैरियट में था. मैं रिफ्रेशिंग एयर कंडीशनर. किसी को अच्छा इतना पता नहीं होगा कि आप इंजीनियर हो. इंजीनियर की इंजीनियरिंग की है, बैचलर्स किया है और मास्टर्स किया इंडस्ट्रियल बिजनेस मैनेजमेंट में. बड़े बाप रे लोग, एक वो हो गया होगा ना, मतलब जब कॉमेडी वगैरह करते तो ये सोच भी नहीं सकता. क्यों नहीं सोचते लोग यार, कॉमेडी करने वाला क्या पढ़ नहीं, मतलब इंजीनियरिंग नहीं कर सकते. ये भी वो भी हंसते ही है, उसमें भी हमको ऐसे सैड नहीं होते थे. हाँ, कि इंजीनियरिंग कर. हाँ, आपको क्या लगता है आपके भाई अगर वैसे आप करते क्या है मुझे ये नहीं पता, एक्टिंग के अलावा तुमने पूछा ही नहीं. अच्छा, किस चीज का बिजनेस है? We are into construction. Achha, construction. We have construction firm. We have an IT business. Achha, achha. We have a medical business. वो देखते हैं, तो he is running after the medical business. अच्छा, I'm looking after. ऐसा तो नहीं होता कभी ये acting acting में ज़्यादा in हो जाते हैं तो वो भाई एक घसीटा घसीटते हैं बस आओ business की तरफ. नहीं, he has a full team. वो अपनी team के साथ ही करता रहता है. फिर वो manages it. अच्छा. Because thanks to information technology, you can conduct a lot of businesses over the phone. Yes. अब तो कैमरा लगा दिए जगह पे वहाँ देख रहे हो. Yeah, बिल्कुल. रशीद, ये क्या कर रहे हो यार? ये दो शापर कहाँ जा रहे हैं? अब आप मोबाइल कैमरा लगा होता है, आप शूटिंग में बैठे हैं, देख रहे हैं. हाँ, ये क्या हो रहा है? नुमान, ये क्या? देखो ये क्या ले जा रहा है? देखो ये सरदर्द की गोलियां ज्यादा ले जा. सॉरी, होता यही है. कह रहे सरदर्द की गोलियां ज्यादा ले जा. मेडिकल बिजनेस है. ओके, यहाँ अगर आपको क्या लगता है कि इनाया जो है वो एक्ट्रेस नहीं बनती तो क्या बनती नेक्स्ट?
इनाया बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर बनती है क्योंकि इसका जो सेंस है इन ड्रेसिंग बहुत अच्छा है, मुझसे भी बहुत अच्छा है इसका, मुझसे भी बहुत अच्छा है, यानी कि आपसे भी, आप बड़ी मनीष मल्होत्रा हैं, अपने आप को कह रही है मुझसे भी बहुत अच्छा, मतलब जब भी हम कपड़े वेयर करते हैं लाइक तो हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं तो हाँ कंपैरेटिवली इसके ज्यादा अच्छे होते हैं, कलर सेंस का ज्यादा अच्छा होता है, एंड अगर ये कुछ होती तो ये मेरे ख्याल से प्रिंसिपल बहुत अच्छी, बच्चों पे ऐसा रोब है इसका कि नजर नहीं आता इसके करीब करीब डर के मारे। आपको क्या लगता है अगर अंजलना कोई प्रोफेशन अपनाती तो कौन सा अपनाती? अंजलना मेरे ख्याल से खाना वाना बहुत अच्छा बनाती है, इसके अपने रेस्टोरेंट होता है, इसका अपना बिजनेस होता है और जिम एक्सरसाइज का इनको बहुत शौक है, जिम जिम होता है और होती बहुत सख्त डंबल उठा के मारते गलत एक्सरसाइज करता। ओके अब आप लोगों के हाथ में तुम और मैं, ठीक है तो अब मैं इसे सवाल, बड़ी देर बाद इसकी बारी आई वैसे, हाँ मैं कुछ और बातें भी कर रहे ना, बहन भाइयों रिश्तों वाली बात। ओके दोनों में से ज्यादा चूजी मतलब कौन है चूजी हर चीज के मामले में, बड़ा देखभाल के लेना, ज्यादा चूजी कौन है? अंजलना, यस ये तो मैं भी कह सकती हूँ, मुझे भी पता है आप लोगों में आपको भी पता है, और ये बहुत देख कर ये कपड़ा नहीं मुझ पे सूट कर चार दफा बदलती है जीवन साथी, लेकिन वही आएगी जिस जहाँ पे क्या जीवन साथी से पूरी जिंदगी गुजार रही है वो रिश्तेदार पकड़ लिया ये घूम रहा है आई आई ये जो ये कौन पैंपर वाला नहीं नहीं ये जो पिंक सॉक्स पहन के घूम रहा है ये है मेरी चॉइस, उससे कहना टीवी नहीं देंगे। भाईजान का नाम क्या हमारे जीजू का? वलीद। वलीद जी जी। ओके नेक्स्ट, पढ़ाई का कीड़ा जिसमें ज्यादा हो मतलब कंपैरेटिवली दानिश आप लोगों में आपके भाई और यहाँ आप, ओके हाँ अच्छा जरा सोशल घुलने मिलने वाला लोगों में घुलने मिलने वाला कौन है ज्यादा दोनों? अंजलना और यहाँ पे आप दोनों और यहाँ पे ओके ये लगती भी है वो घुलने मिलने वाले, ये तो प्रिंसिपल है ये टीचरों में मिलती है वलीद। हमारी बचपन की फोटो है मेरे पास, तुम फार्म हाउस में जो स्विमिंग पूल में डालूंगी मैं सबको। वलीद इनके नहीं वलीद मैं देख रही हूँ प्रिंसिपल ये कजन ये चूजी क्या चूज किया यार ये छह कजन में से वलीद चूज सॉरी यार डिस्क्लेमर लगा देंगे वलीद माइंड नहीं कीजिएगा। ओके बात की खाल निकालने वाला कौन है गहराई में जा पूरी ये दया है तो गड़बड़ है दया सी आई डी वाली दया जो है ना आप पत्थर रखे पूरी स्टोरी बना देगी उसकी क्या होगी नहीं मैं सोचती रहूंगी ये क्या होता है क्या होता है जैसे अगर कहीं पार्टी में गए कहीं मिले कुछ हुआ यानी किसी ने एक जुमला जनरल बोल दिया वो तो बोल के चली गई लेकिन सिस्टर जो है ना वो क्या मतलब मेरी बहन दया है घर की। आप दोनों में से कौन है? कोई भी नहीं आप बात की खाल निकाल स्नैपचैट पे स्टोरीज में जाके ये हुआ कैसे इसको देखो स्टॉक करना ऑल दैट निकाल लेती हूँ मैं झूठ पकड़ा पता चल जाता है मुझे मेरी जैसी हूँ ये वही है ना क्या वो जो है ना किसी चीज के पीछे इतना जाओ तो वो शाहरुख खान अच्छा जुगाड़ू कौन है दोनों में मतलब कोई भी चीजों की जुगाड़ करके चला लेंगे वो शायद मैं हूँ ये तो सिंपल है सिस्टर हमारी दोनों आप भी मैं भी ऐसे करती हूँ आजकल करती हूँ आज और आप लोग अहमद जो है अच्छा जुगाड़ू है बहुत बड़ा जुगाड़ किंग है और आप लोग ये जुगाड़ अच्छा अभी की बात नहीं मैं कर रही लेकिन बचपन में रोतू ज्यादा कौन ज्यादा रोतू कौन हाँ लड़कियां वैसे होती है लेकिन बहुत सेंसिटिव हूँ हाँ
अभी थोड़ा आप बोले रो, 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 मैं रो पड़ूंगी दो मिनट लगेगा अम्मी का जिक्र नहीं कर रहा तो मैं रोती हूँ अम्मा के मामले में तो सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं हम जो हिंट नहीं दो भाभी को क्या रोने लग जाएंगी मैंने कहा हिंट मत दो भाभी दोनों गले लग के रोएंगे अगला सवाल हमारे आंसू यहां होते हैं टक 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 टप 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 गिनने लगते हैं अभी भी यही करते हैं मेरे साथ कि मुझे मार के मॉम के पीछे आके खड़े हो जाएंगे वो कहेंगे देखिए मुझे मार रहे अच्छा रोंदी तो शुरू से चल रही है वो चलती रहती है तो दोनों रोतू है माशाल्लाह माशाल्लाह और भी घर में ये क्वालिटी है किसी में नहीं नहीं हम दोनों में स्पोर्ट्स में तो आसिद भाई ये हार गए तो रोना ओह आउट तो होना नहीं है आउट नहीं होना अगर अच्छा इनका इनकी बहुत अच्छी खासियत है तो ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर उसके अलावा उनकी जो उसमें खासियत क्या है कि अगर आपने बॉल अच्छी कराई और ये आउट हो गए तो ये एक तो मारे मानेंगे और अगर मान लिया तो उन्हें कहेंगे यार बॉल डेड हो गई थी वो मैं मेरी गलती थी मैं खेल नहीं सका ये नहीं कभी कहेंगे यार तुमने एक्चुअली अच्छी अच्छा आप उस पे रो तो बोल रहे हैं बहुत ज्यादा मतलब इंतहा होती है लेकिन भाई हमारी फैमिली में अगर कोई रोगे तो उसका रिकॉर्ड माशाल्लाह सब लगाएंगे तो इसलिए काफी लंबा 10 साल तक लगेगा तो कंट्रोल रखना पड़ता है अच्छा जी यहाँ ये तो अभी रो रही है नंबर देर से आ रहा तो रो रही है बना लिया मैं हूँ रो तो हाँ सेंसिटिव हूँ मैं सबको ले लेती हूँ दिल पर इनाया के बारे में तो अच्छा खासा जान लेता आज मैं उनसे डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ रही हैं आप आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी हो गई डायरेक्टर बनने के बाद आपको वलीद का नाम भी याद है क्या भी आप लोगों को भी याद हो गया होगा जी तो कुछ दिनों में हम देखेंगे वलीद से तो अजीब बचपन का किस्सा हो गया एग्जैक्टली वलीद से तो कोई अजीब कोई बचपन की मोहब्बत बेचारा वलीद आपके साथ क्रिकेट खेलते थे ना कोरमे की दो बोटियां एक्स्ट्रा डाली प्यार हो गया ये बड़ा मेरा ख्याल रख रहा है मुझे कोरमे की दो लेग पीस लेके आया तो ये हंसी मजाक इसी तरह चलती रहेगी थैंक यू सो मच थैंक यू छुट्टी हो गई छुट्टी ये क्या मतलब ये भी रख दो नाश्ता खाने जाएंगे अब क्या प्लान है आप लोगों का क्या निकल कर यहाँ से क्या करना है आपने भाई ये मेरा खिलाएगा कुछ मेरी तो शूटिंग है रास्ते में पेटिस खिला दूंगा आप लोगों का क्या प्लान है तो आई हैव अ फ्लाइट बैक अच्छा ओ आप वापस जाएंगे और आप सैलून अचानक फोन आ जाए कल रात को ही शूट कैंसिल हो यार ये जो मतलब मैं कहता हूँ कि स्कूल की जो अचानक छुट्टी का जो मजा था ना वो काम की भी वही है छुट्टी का मजा सेम है मैं कहता हूँ पूरे महीने ऑफ हो लेकिन संडे की छुट्टी जरूर हो जो पूरे महीने ऑफ ना हो नहीं नहीं मैं कहता हूँ बेशक ऑफ हो भी ऑफ हो बेशक एक हफ्ता पूरा का टाइम एक हफ्ता पूरा दिन छुट्टी है लेकिन जब संडे आता है यार कल तो संडे भाई दानिश जी हमारे टाइम पे तो छुट्टियां होती नहीं थी अब तो बच्चे छुट्टियों में रहे तो बच्चों ने 2 साल घर पे रहे यार बहुत शुक्रिया आप लोगों का बहुत थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर हैविंग अस काफी कुछ एक दूसरे की बातें करने की कोशिश की लेकिन उसके बाद डर भी जाते थे कि हमारे भी पोल ना खुल जाए लेकिन वो काफी काफी सारी बातें बाहर आ गाड़ी का स्टूडियो में आ रही है बिल्कुल तैयार मोबाइल वोबाइल ले लिया चाबी उठा ये खड़ी मेरी साइकिल अंदरला ने इतनी साइकिल चलाई कि बेचारी को वीडियो बनाने लगी कि पापा गाड़ी भी है लोग ये ना समझे बेचारी साइकिल मेरा नाम ही साइकिल वाली पड़ गया है नहीं बचपन में गली में आता था पाप पाप उसका पेटी उसकी बिस्कुट थैंक यू बहुत शुक्रिया एक छोटा सा वक्त ले रहे हैं वक्त के बाद देखते रहिए नहीं हम क्या अच्छा कुछ और बाद में बताऊंगी दानिश ब्रेक के दौरान एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी जनाब आपको ऐसा लगता है मैंने रोज आपको खूबसूरत बनाने का ठेका लिया हुआ है और आज आपको खूबसूरत बनाने के लिए आए हैं डॉक्टर उमर राहिल अपनी ब्रांड एम कॉलरिक के साथ अस्सलाम वालेकुम सलाम कैसी हैं बिल्कुल ठीक ठाक आते हैं बल्कि 90% लोगों को खूबसूरत बना मतलब मजीद खूबसूरत माशाल्लाह 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 अच्छा जी ये जो आपकी ब्रांड है इसकी रेंज के बारे में हम एक दफ़ा फिर से आप बता देते हैं व्यूअर्स को बिल्कुल कि इसमें क्या क्या मौजूद है अच्छा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ न्यू एडिशन भी इसके अंदर हुआ है इसके अंदर जो सोप मौजूद है अपना वाइटनिंग सी सीरम मौजूद है हाइलुरोनिक मिस्ट जो स्किन टाइटनिंग के लिए लिफ्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जो फोमिंग क्लेंजर है
डीप क्लेंजिंग के लिए, मेकअप रिमूविंग के लिए वो बहुत इफेक्टिव है। कौन सा है वो सोप? देखिए, ये तो हमारा डीप पोर क्लेंजिंग है, फेस वॉश है, ब्रश के साथ है। जब आप इसे करते हैं फेस वॉश, तो आपकी सर्कुलेशन अच्छी होती है, दूसरा आपकी डीप पोर क्लेंजिंग होती है। मेकअप एक्चुअली होता है प्लेन वाटर से, आपने जो सोप से वॉश किया तो आपका मेकअप रह जाता है। तो डीप पोर जब आप इसे ब्रश से करते हैं तो ऐसी क्लेंजिंग होती है, स्क्रबिंग भी हो जाती है और बिल्कुल स्किन क्लियर हो जाती है, कोई चीज आपके पोर्स के अंदर रह नहीं जाती जो कि क्लॉक करे। अच्छा, जैसे आपने फीमेल के लिए कहा कि वो मेकअप करती हैं, तो जो बाइकर्स हैं या जो मतलब लाइक मर्द हजरात, जाहिर है आउटडोर भी काम करते हैं, उनके पोर्स भी क्लॉग हो जाते हैं बिल्कुल, और उनके लिए भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। कि मर्द तो वैसे ही बड़े सुस्त होते हैं कि कौन स्क्रब करे, कौन एक ही चीज मिल जाए, तो वो एक चीज उनके लिए बेस्ट है। ये जबरदस्त, ये तो हो गया जो फेस वॉश। सोप आपने किस चीज के लिए कहा? सोप देखिए, एक्चुअली होता है कि एक्ने के लिए बहुत सारे फेस वॉशेस मिल जाते हैं, लेकिन हमारी और प्रॉब्लम भी है कि सोरायसिस हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, या किसी भी तरह के स्किन रैशेस होते हैं, उसके लिए जो है ना ये सिल्क सोप एम कॉलरिक का, और ये डिफरेंट एसेंशियल ऑयल के साथ बनाया गया है, जो कि आपके कोई भी स्किन का प्रॉब्लम हो, डिजीज़ हो, खासकर सोरायसिस, एक्जिमा या रैशेज जो हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। अगर इस तरह की कोई स्किन डिजीज़ हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि एलर्जी है या क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सिर्फ सोप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो हर तरह के जो प्रॉब्लम्स या बैक्टीरिया है उस, या वायरल जैसे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं स्किन के ऊपर, वो भी ख़त्म करता है, फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत इफेक्टिव है। ज़बरदस्त भाई। अच्छा, रिंकल्स के लिए आपके पास कौन सी प्रोडक्ट है ये, क्योंकि अभी सर्दियां आ रही है ना? बिल्कुल, तो वो भी हम लोगों को बताएं। अच्छा, रिंकल्स के लिए हाइलुरोनिक मिस्ट मौजूद है, ये हाइलुरोनिक मिस्ट है, और आपको पता है हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपके स्किन को प्लम्प करने के लिए, आपको हाइड्रेट करने के लिए, यंग रखने के लिए। अगर इसको वैसे भी अपने रूटीन में अपने फेस वॉश के बाद दिन में 2 से 3 बार लगा लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपके फेस के ऊपर रिंकल्स आएंगी नहीं। अच्छा, इसके लिए रिंकल्स आने का इंतज़ार नहीं करना, ये 20-22 साल की लड़की लड़का भी लगा सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि स्किन इतनी हाइड्रेट रहेगी कि आपको किसी भी वजह से जाके आपको फिलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके स्किन के ऊपर फाइन लाइंस नहीं आएंगी, ना प्रीमेच्योर आएंगी, ना एजिंग के साथ आएंगी। अच्छा, जिनकी मुंह पे एक्ने है वो भी ये स्प्रे यूज कर बहुत आराम से ऑयल फ्री होता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनकी एज ज़्यादा, जैसे अभी आपने कहा एजिंग को रोकने के लिए, ये तो आप लगाएंगे ही, उसके साथ जो है अपना स्किन रिपेयर जो है, ये ट्रीटमेंट जो है ये इस्तेमाल करेंगे, ये आपकी स्किन, इसके अंदर प्योर एलोवेरा जेल मौजूद है। अच्छा, ये स्किन को आपका एक तरह से रिजुविनेट करता है, और आपके स्किन सेल्स जो है ना रिजुविनेट जब होते हैं, आपको लगता है कि आपके स्किन के अंदर एक नई जान, एक ज़िंदगी पैदा हो रही है, और बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड बहुत ही ज़्यादा यंग स्किन को करता है ये। और ये इस सीज़न में जो मौसम चेंज हो रहा है उस पर अगर इसको लगाते हैं तो आपके स्किन के अंदर ड्राइनेस नहीं आएगी, आपकी स्किन रफ नहीं होगी, फ्लेकी नहीं होगी। अच्छा, विटामिन सी सीरम के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन सर्दियों में डल हो जाती है। अच्छा, वाइटनिंग सी सीरम हमने नाम रखा हुआ है, वाइटनिंग सी सीरम अगर आप लगाते हैं तो उसको ट्वाइस अ डे आपने लगाना है, सुबह लगाना है वॉश करने के बाद, और रात को लगा के फिर उसके बाद जो है अपनी नाइट क्रीम आप लगा लीजिए, आपका फेस जो है ना स्किन ड्राइनेस की वजह से भी डल नहीं होगा। और अक्सर लोग होते हैं, उनको होता है कि स्पॉट्स आ रहे हैं फेस के ऊपर, तो वो जो टू टोन स्किन हो रही है स्पॉट से, वो आपका वाइटनिंग सी सीरम से क्लियर हो जाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सन ब्लॉक भाई, सब कुछ लगा लें, लेकिन अगर फिर धूप में निकल गए ऐसे चढ़ाचाड़ कोई चीज़ मुंह पे लगाए बगैर, खासतौर पर सन ब्लॉक, तो फिर वही हालत। बिल्कुल वही होता है। अच्छा, सनब्लॉक के लिए एक बात है कि सर्दी में खासकर ये होता है कि धूप, गर्मी में मतलब होता है कि मौसम ठंडा है तो धूप लेनी है या अच्छी लग रही होती है धूप, तो लोग बैठते हैं, खासकर पंजाब में तो बहुत बैठते हैं, बहुत, और उससे क्या होता है कि स्किन आपकी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, जल जाती है। तो ये जो हमारा सनब्लॉक है एम कॉलरिक का, इसकी खास बात यह है कि ये फूलों के अर्क के साथ बनाया गया है। आपने फूलों का अर्क तो सुना होगा कि रोज़ वाटर होता है, डिफरेंट होते हैं, बट इसके अंदर केमिकल नहीं है, सिर्फ डिफरेंट ऐसे फूल हैं जो कि आपके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं यूवी रेज से, सन रेज से। तो अगर आप ये लगाते हैं, अच्छा ये छोटे से छोटे बच्चे को भी लगाया जा सकता है, और वैसे भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे कि मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत है जो बाहर जाने वाले लोग हैं, लेकिन उसके अलावा अक्सर ये होता है कि बच्चियाँ या ख़वातीन जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ जो होती हैं, उनको होता है जब हम जा रहे हैं कोई एक ही चीज़ लगाएं और लगे कि हम बिल्कुल फ्रेश हैं, मतलब सनब्लॉक लगाएं, उसके पहले सीरम लगाएं, फिर बीबी क्रीम लगाएं, फिर टेंट लगाएं, कितनी चीज़ें लगाएं, बिल्कुल। तो उसके लिए जो है एम कॉलरिक की जैसे ये डे क्रीम है, इसके अंदर SPF मौजूद है। अच्छा, जब हम ये लगाते हैं तो एक बिल्कुल आपको एक लाइक बीबी ग्लो, बीबी क्रीम की तरह आपको फील आएगी, जो कि आपके स्किन के ऊपर आपको जो है सन प्रोटेक्शन भी देगा, उसके अलावा आपका एक कलर वन टोन लाइटर हो जाएगा, उसके ऊपर सिर्फ आपने टेंट लगाना, आप रेडी हैं, आपको पूरा दिन कुछ नहीं लगाना, सिर्फ एक ही क्रीम, आपने अपना फेस वॉश किया,
और उसके बाद आपने जस्ट ये क्रीम अप्लाई की और उसके बाद जो है आपने बस इसके ऊपर अगर टेंट लगाना है चीक टेंट तो लगाया, वरना कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सनब्लॉक आपको लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल एक हल्का सा आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगा और आपको प्रोटेक्शन भी देगा। हाँ, वाइटनिंग इफेक्ट ये बिल्कुल इस तरह। अच्छा, कोई नाइट क्रीम भी है आप लोगों के पास? ये डे होगी, ये डे है, इसी तरह से नाइट क्रीम है। नाइट क्रीम के लिए है कि अगर आपके रिंकल्स आ रहे हैं तो आपने हाइलुरोनिक मिस्ट लगाया और ये नाइट क्रीम आप लगाएंगे। ये जो है आपका हल्दी के साथ बनी हुई है और इसके अंदर जो है दूसरा जो है ख़ास बात वो गेंदे का फूल, उसका एक्सट्रैक्ट मौजूद है। ये स्किन को बहुत फ्रेश एंड मुलायम करती है। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि रातों रात गोरा नहीं कर रही, लेकिन जब आप लगाएंगे तो आपको खुद फील होगा कि अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, डे क्रीम एंड नाइट क्रीम का, तो आपके स्किन जो फ्रेश भी हो रही है, स्पॉट्स भी क्लियर हो रहे हैं और उसका कलर भी आपका बेहतर होता जाएगा और स्किन की कंडीशन उसके साथ साथ इम्प्रूव करेगा वो। ज़बरदस्त। अच्छा, एक सिरम जिसका नाम है स्किन रिपेयर सिरम, वो किस काम आता है और वो इसमें लाइक अच्छा इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सिरम जो है अगर लगा रहे हैं सर्दियों में तो बहुत अच्छा है, बट वो अगर आपके स्किन किसी भी वजह से डैमेज हो गई है, बीमारी की वजह से, कोई वाइटामिन सॉरी कोई कॉर्टिसोन खाने की वजह से, किसी ट्रीटमेंट की वजह से, या बहुत ज़्यादा धूप में रहने की वजह से स्किन डैमेज हो रही है, कोई भी वजह हो, आपने सिर्फ ये सिरम लगाना शुरू किया, स्किन रिपेयर, ये स्किन रिपेयर सिरम है। और आप सिर्फ इसको अगर 10वें से 11वें दिन आपको होगा कि आपके स्किन की रिपेयर होना शुरू हो गई है, तो बिल्कुल डैमेज स्किन होती है, इसके ऊपर कुछ नहीं लगता, आपके स्किन को जलन होने लगती है, रेड हो जाती है, कुछ भी लगाते हैं लगता है कि एकदम रेड हो रही है, बर्न हो रही है, तो आप सिर्फ ये स्किन रिपेयर सीरम लगाना शुरू कर दें, 2 बार दिन में लाजमी लगाना है। अच्छा, इसको अपनी जो रूटीन केयर है लाइक आपकी डे क्रीम है या नाइट क्रीम, उससे पहले भी आप लगा सकते हैं, तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, जो डैमेजेस हैं उसको कंट्रोल करेगा और आपकी स्किन नेचुरली, इसमें जो ऑयल्स मौजूद हैं एलोवेरा जेल के साथ, वो आपके स्किन के जो डैमेजेस है उसको कंट्रोल करते हैं। किसी भी वजह से कोई भी हार्मफुल चीज़ लगाइए जो आपके स्किन को जिसने डैमेज कर दिया, बर्बाद कर दिया, अब आपके पोर्स खुल गए हैं, स्किन बहुत रफ़ हो गई, आप कितना ही मेकअप कर लें, कुछ भी कर लें, आपके चेहरे पे वो फ्रेशनेस नहीं आती, तो आपको रिपेयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके लिए बेस्ट स्किन ब्राइटनिंग, ज़रा रंग जो है आपका चमकदार लगे और जो टैन है आपका वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए कुछ है आपके? टैन के लिए तो हमारी नाइट क्रीम जो है एम्बीट की नाइट क्रीम, जो एम्बीट ग्लो के नाम से, ये बेस्ट है, आप ये लगा सकते हैं, ये किसी भी एज में कोई भी जेंडर इसको इस्तेमाल कर सकता है, इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। और सबसे बड़ी खास बात जो उसकी है कि ये कि कोई इसमें ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके स्किन को डैमेज करे, जिससे बच्चियाँ खासकर डरते हैं हम लगाएंगे छोड़ेंगे तो रंग ख़राब हो जाएगा, तो आप इसको अगर छोड़ भी देंगे तो आपके कलर पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा, ये आपके स्किन को सेफ रखेगा। और रंग ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये जो है हेयर ग्रोथ सीरम है। अच्छा, अच्छा होता है क्या कि ऑयल्स हम बहुत सारे लगा रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें लगा रहे होते हैं, लेकिन आपने आपके शोज में आपने कितनी दफ़ा बताया प्याज कर्क है, अदरक का है, लौंग है, काली मिर्च, तो ये उन तमाम चीज़ों का एक्सट्रैक्ट निकला हुआ है। अच्छा, और इसको सिर्फ आपने रोज़ाना लगाना है और अच्छा, ये बिल्कुल ये तकरीबन 1 महीने के अंदर वो भी नहीं आ रही, स्मेल नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी, हम तो इसलिए नहीं लगाते प्याज की बू आएगी, लेकिन इसमें खुशबू है एक्चुअली, एक्सट्रैक्ट जो निकालते हैं उसमें स्मेल नहीं आती है। अच्छा, एक्सट्रैक्ट के जो अर्क निकाल वो जूस निकालते हैं उसमें खुशबू आती है, एक्सट्रैक्ट में कोई भी स्मेल नहीं आती, वो स्मेल फ्री होता है। तो इसको जब हम लगाएंगे तो आपको 1 मंथ के अंदर बेबी ग्रोथ नजर आएगी। ओके, तो जिनके ये वाली भी चीज़ बड़ी मुझे मजे की लग रही है, इसके बारे में बताएं। अच्छा, ये जो है हमारा आई रोलर सीरम है। अच्छा, होता है क्या, इसको अपने फ्रिज में रखें, आप देखें रोलर बना हुआ है। हाँ, इसको आपने अंडर ठंडा हो जाए बिल्कुल, और इसको आपने दिन में 2 बार अंडर आई लगाना, ऊपर भी लगा सकते हैं, पफीनेस होती है, रिंकल्स आ रही हैं, डार्क सर्कल्स हैं, उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। हाँ, इसको आप लगाएंगे, इसको बैग में भी रख सकते हैं आपको, जब भी बिल्कुल ड्राइनेस जिनको होती है उनके लिए बहुत इफेक्टिव। हाँ, है। अच्छा, आपके पास एक ग्रीन कॉफ़ी है? जी, ग्रीन कॉफ़ी, उसके बारे में बताएं, ग्रीन कॉफ़ी का क्या मतलब, ब्लैक कॉफ़ी तो हमें पता है, ग्रीन कॉफ़ी क्या काम? ग्रीन कॉफ़ी देखिए, एक तो वो आपका उसमें कैफीन में लो होती है, उसके अलावा उसका ख़ास बात है कि वेट मैनेजमेंट के लिए, अगर आप वेट कंट्रोल कर रहे हैं या वेट लॉस में लगे हुए हैं, उसकी जर्नी में लगे हुए हैं कि मेरा वज़न कम करना एक ड्रीम है, उस तक पहुंचने के लिए ग्रीन कॉफ़ी आपको बहुत मदद देती है। आपने ग्रीन कॉफ़ी दिन में 2 से 3 बार अगर आप पी लिया है तो आपकी एनर्जी को वो बरकरार रखेगी और आपका जो स्टेमिना है वो भी रहेगा। जैसे कि आप डाइट करते तो आप बहुत लो फील करते हैं, एनर्जी नहीं है, डाउन फील करते, तो आप ग्रीन कॉफ़ी के साथ अपनी डाइट को कंट्रोल करें तो वेट को बहुत तेज़ी के साथ कम करती है, इंचेस को बहुत तेज़ी के साथ शेड करती है वो। ओके, अच्छा, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं इनको खरीद कैसे सकते हैं, एक सवाल। दूसरा,
टीनेजर भी ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं? अच्छा, ये प्रोडक्ट स्किन के हिसाब से, मतलब ये हर चीज़ ऐसी है जो मैंने आपको बताई, सोप है, सनब्लॉक है, हाइलुरोनिक मिस्ट है, फेस सीरम है, ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ ये हम रिकमेंड करते हैं उन लोगों को जिनकी पिगमेंटेशन होती है, ये जो एम कॉलरिक की पिगमेंट आउट क्रीम है। अच्छा, ये इतनी सी होती है, जादू की पुड़िया है ये। अच्छा, और जिनकी पिगमेंटेशन सही नहीं हो रही, बहुत परेशान है बहुत ज़्यादा, तो वो सिर्फ 3 to 4 months इसको लगाते हैं तो वो स्किन को क्लियर करती है और स्किन के ऊपर से जो है ना पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है। अच्छा, और इसको सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आपने एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वरना बाकी तमाम चीज़ें आप इजीली ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। अच्छा, ये कैसे हम खरीद सकते हैं, इसका तरीके का क्या है? देखिए, रसासवदा में ये तमाम प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी तमाम चीज़ें, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इंस्टा का पेज है, वेबसाइट मौजूद है और मेरा अपना पर्सनल पेज मौजूद है। इंस्टा किसकी एम कॉलरी की आईडी, फेसबुक का इसका पेज है, उसके ऊपर आप जाके डीएम कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो रसासवदा आप कॉल कीजिए, आपको जो भी चीज़ है पूरे पाकिस्तान में आपके घर पर मिल जाएगी। अच्छा, रसासवदा की आपकी जो क्लिनिक है उसकी ओपीडी की टाइमिंग्स क्या है? अच्छा, रसासवदा के जो ओपीडी हमारी जो होती है मंडे वेंसडे एंड सैटरडे होती है 2 to 4, बाकी पूरी 6 दिन क्लिनिक खुला हुआ होता है, सुबह 11 से रात 8 बजे तक। आप तमाम मतलब पूरे 6 दिनों में कभी भी जाके कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। ये तो पाकिस्तान वालों के लिए हो गया, यूएई वालों के लिए आप क्या खुशखबरी लेकर आई हैं? यूएई वाले बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि 2 साल का गैप आ गया, मैं जा नहीं पाई थी, बल्कि पूरी रसासवदा टीम का वो इंतज़ार कर रहे, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द, ये समझ लें कि अक्टूबर का एंड और नवंबर का फर्स्ट वीक होगा, हम लोग यूएई में मौजूद होंगे पूरी टीम के साथ, ये तमाम चीज़ें, तमाम प्रोसीजर सब कुछ उनके लिए लेके जा रहे हैं। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा एम कॉलरिक के बारे में जानकर और ये सारी रेंज जो है आप लोगों को बताकर। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेरा हील। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा, और इंतज़ार करें अगली इंजॉयमेंट तक का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई है।